रहमान रहीम तमाम मेंबर्स लाहौर बार एसोसिएशन को हम लाहौर बार एसोसिएशन के 35वें लैंडमार्क लेक्चर के ऊपर खुशामदीद कहते हैं और 35वें लैंडमार्क लेक्चर के लिए हमने कंसीडर किया है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक और ख़ास तौर पे आज कर के अगर आप अखबारात को उठा के देख लें तो पहला सफ़ा तकरीबन आधा नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो और नैब के मुकदमात के बारे में होता है कि इस नौयत का और रिसेंटली एक्चुअली नैब एक्टिव भी काफ़ी हो गई इस नौयत का कानून है या अकाउंटेबिलिटी के कवानीन इस नौयत के कवानीन हैं कि आगे चलकर इनमें नज़र आ रहा है कि बेशुमार एक्चुअली स्कोप को वो लॉयर्स के लिए मौजूद होगा। इसके साथ साथ ये भी बीच में देखने में आया है कि इसके बारे में एक स्पेशल लॉ मौजूद है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ऑर्डिनेंस जिसके बारे में काफ़ी चीज़ें वेगली दोस्तों को भी मौजूद हैं लेकिन जो उस एरिया के स्पेसिफिक प्रैक्टिशनर्स हैं कई चीज़ें उनको ही मालूम है लेकिन हमने ये बीच में जाना कि तमाम एक्चुअली बार के अंदर ये डिस्कस करने के लिए नैब एंड अकाउंटेबिलिटी लॉज डिस्कस करने के लिए उस शख्सियत को बुलवाया जाए जो इस एरिया के अंदर महारत हासिल रखती है और हमारी खुशकिस्मती ये है कि आज हमारे दरमियान प्रोफेसर वकास कदीर डार साहब साबिका प्रोसिक्यूटर जनरल नैब और इसके अलावा मैं अपने भाई के बारे में ये भी बीच में कहना चाहूँगा कि पब्लिक सर्विस और स्टेट की एक्चुअली वकालत की तरफ शायद ही कोई ऐसा अहदा हो जो कि मेरे दोस्त के पास मेरे भाई के पास एक्चुअली ना रहा हो और जो जिसके अंदर उन्होंने एक्सेलेंटली परफॉर्म भी ना किया हो। इसके साथ 2006 से 2007 के अंदर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए हेड ऑफ लिटिगेशन थे, SECP जो कि कंपनीज को रेगुलेट करती है पूरे पाकिस्तान के लिए एक साल के लिए हेड ऑफ लिटिगेशन थे। इसके साथ साथ नैब के अंदर सीनियर प्रोसिक्यूटर 2003 से 2006 रहे, प्रोसिक्यूशन की भी सारी की सारी विंग देखी। उसके बाद एक्चुअली 2009 से 2014 पाँच साल के लिए एडवोकेट जनरल के ऑफिस के अंदर रहे। उसके साथ साथ डिप्टी अटॉर्नी जनरल एक साल के लिए रहे जनवरी 2014 से नवंबर 2014 तक और उसके बाद फिर जब हम कानून देखेंगे आप देखेंगे अकाउंटेबिलिटी के अंदर प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्चुअली ऑफिसर्स प्रोसिक्यूशन के अंदर प्रोसिक्यूटर जनरल नैब भी रहे। सो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान वकास कदीर डार साहब मौजूद हैं इनका और एक साथ चलते चलते मैं ये भी बीच में बताता जाऊँ दोस्तों को कि इनके लिए तुर्रा इम्तियाज़ बतौर एक्चुअली लीडिंग प्रोफेशनल तो है ही मगर एक लीडिंग टीचर भी हैं। मैंने इब्तदा के अंदर कहा प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के अंदर प्रोफेसर हैं, नीपा के अंदर पढ़ाते रहे हैं, सिविल सर्विसेज अकेडमी में पढ़ाते हैं, पंजाब जुडिशियल अकेडमी में, फेडरल जुडिशियल अकेडमी के अंदर डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ इनकम टैक्स के अंदर पंजाब लॉ कॉलेज में और बेशुमार जगह पर तो अपनी कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट भी करते हैं एजुकेशन के लिए और वैसे भी एक्चुअली थारो प्रोफेशनल हैं। हमारी खुशकिस्मती है वंस अगेन और लाहौर बार एसोसिएशन वेलकम करती है जनाब वकास कदीर डार साहब को एंड ओवर टू वकास कदीर डार साहब। थैंक यू। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अकाउंटेबिलिटी लॉज अ मेन टॉपिक नाउ डेज हर बंदा बात कर रहा है कि एहतसाब का कानून क्या है। बींग मेम्बर ऑफ लीगल फ्रटर्निटी हम जितने भी लोग यहाँ पे जितने भी वकला बैठे हैं हम एहतसाब के कानून को पढ़ते हैं, पढ़ के हम फिर उसको अदालत में फॉर एंड अगेंस्ट उसको इस्तेमाल भी करते हैं। पहला सवाल ये आता है कि प्रिवेंशन ऑफ एंटी करप्शन, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1940 कब का जी 47 FIA में और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट में वही इस्तेमाल हो रहा है। व्हाई देयर वाज अ नीड टू हैव नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999, क्यों 1999 में एक नए कानून की जरूरत पड़ी जिसको नैब का कानून कहा गया। हमारे बहुत सारे दोस्तों ने इसको कहा कि जी काला कानून है, ये अच्छा कानून नहीं है, इस कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन क्या कभी किसी साहब ने एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट रूल्स को या FIA का कानून जो है उसको पढ़ने की कोशिश की या FIA के जो रूल्स हैं उनको देखने की कोशिश की कि वाई देयर वॉज अ नीड टू हैव अ न्यू लॉ टू कम्बैट और एरेडिकेट करप्शन इन पाकिस्तान। आपके लिए ये बड़ा एक अचंभा होगा
कि एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट जो सूबाई सतह पे होती है उसमें अगर आपने किसी गजटेड ऑफिसर के खिलाफ इंक्वायरी ऑथराइज करनी है या प्रोसिक्यूशन ऑथराइज करवानी है तो उसके लिए यू हैव टू गो टू द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट मीन द कंसर्न सेक्रेटरी. और 18वीं अमेंडमेंट के बाद आपको मालूम है कि द पावर इज वेस्ट विद द कैबिनेट और द प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर व्हाटएवर. नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस, अगर आप इसको कानून को देखेंगे तो ये कानून एक शख्सियत के घेर घूमता है जिसको कहते हैं चेयरमैन नैब. चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट 4 साल के लिए होती है और चेयरमैन नैब के पास इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट और प्ली बार गेन और विदड्रॉल ऑफ इन्वेस्टिगेशन के इख्तियार हासिल हैं. दिस इज द ओनली लॉ वेयर इन द चेयरमैन नैब नीड्स नो सैंक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट इवन इफ ही वुड लाइक टू ऑथराइज एनी इंक्वायरी अगेंस्ट द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और एनी मिनिस्टर वट एवर यू से. जबकि दूसरी तरफ अगर FIA को किसी भी गजटेड ऑफिसर या किसी भी बड़े आदमी के खिलाफ जाना पड़ता है तो उसके लिए वो सैंक्शन कहां से मांगते हैं? सरकार से. सो बेसिक ये डिफरेंस है नैब के कानून में और बाकी जो आपके एहतसाब के कानून मौजूद हैं पाकिस्तान में. एक अमूमन हमारे यहां पे बहुत कहा जाता है जी PG नैब या प्रोसिक्यूटर जनरल नैब. यह भी आप एक चीज जरूर पढ़िए, सेक्शन 8 नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस, जिसके तहत प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी का ऑफिस बनाया गया है. द ऑफिस इज नॉट प्रोसिक्यूटर जनरल नैब, दिस इज द ऑफिस ऑफ प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी विच इज एन इंडिपेंडेंट ऑफिस which has nothing to do directly with the NAB. जब NAB का चेयरमैन कानून के मुताबिक सेक्शन 18 के अंदर कोई रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर करता है तो उसके बाद प्रोसिक्यूटर जनरल की जो प्रोसिक्यूशन टीम है उसका काम शुरू होता है. सेक्शन 8 बड़ा वाजे कहता है A person who qualifies to become a judge of a Supreme Court shall be appointed Prosecutor General Accountability. सरकार आपको अपॉइंट तो कर सकती है बट वो आपको निकाल नहीं सकती. Prosecutor General Accountability को निकालने के लिए 209 Article 209 यानी कि इफ यू वुड लाइक टू इम्पीच द प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी देन द सेम ग्राउंड्स ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान. दिस इज द सेम विद द चेयरमैन नैब कि जब कानून के मुताबिक चेयरमैन नैब अपॉइंट होता है तो आप उसको निकाल नहीं सकते, या वो खुद इस्तीफा दे या मेंटली साउंड ना रहे या वो कोई ऐसा काम करे कि उसकी इम्पीचमेंट के लिए कोई आ जाए. और प्रोसीजर वही है जो 209 में दिया गया, पर्टिकुलरली फॉर रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान. टर्म लेकिन फिक्स्ड है, चेयरमैन की 4 साल की टर्म फिक्स है, 4 years, और पीजी की 3 साल है, 3 साल. अब जैसे अभी बात कर रहे थे कि चेयरमैन नैब के पास इख्तियार क्या है, उसके पास पहला इख्तियार है कि वो कोई भी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन ऑथराइज कर सकता है. उसके पास क्या इख्तियार है? सेक्शन 24 में वो अरेस्ट भी कर सकता है. उसके पास चौथा इख्तियार क्या है? वो रेफरेंस फाइल कर सकता है सेक्शन 18 में. उसके पास फर्दर क्या इख्तियार है कि 9C में अगर इन्वेस्टिगेशन होती है और इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं मिलता तो इन्वेस्टिगेशन को वो ड्रॉप कर देगा सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय द अकाउंटेबिलिटी कोर्ट. इसी तरह
म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस कि अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन से चाहिए या कोई मदद फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन से चाहिए तो सेक्शन 21 के तहत म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस में चेयरमैन नैब के पास इख्तियार है कि किसी फॉरेन स्टेट को वो लिख सके। और ये ना सिर्फ हमारा कानून कहता है बल्कि UNODC में अनकैक रजीम यानी कि यूनाइटेड नेशंस एंटी करप्शन कन्वेंशन के तहत चेयरमैन नैब इज द डिजिग्नेटेड अथॉरिटी कि वो किसी भी मुल्क से इन केस ऑफ एनी प्रॉपर्टी अब्रॉड मूवेबल इमूवेबल और एनी अदर हेल्पफुल इंफॉर्मेशन तो वो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के लिए लिख सकता है। इसी तरह कानून के तहत प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी आ जाता है। सेक्शन 8C के तहत प्रोसिक्यूटर जनरल के पास ये इख्तियार है कि वो अपनी प्रोसिक्यूशन टीम बना सकता है। वो अपनी प्रोसिक्यूशन चलाने के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स को एंगेज कर सकता है, बड़े केसेस के लिए किसी भी सीनियर वकील को एंगेज कर सकता है, लेकिन जब वो किसी को एंगेज करेगा तो उसकी अप्रूवल चेयरमैन नैब देगा, क्योंकि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के पास तमाम फंड्स आते हैं जिनको वो दो हेड्स में ऑपरेशनल एंड लिटिगेशन उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ये जो आपने रेफरेंस का भी जिक्र किया कि इनिशिएट होता है, इनिशिएट आप प्रोसिक्यूटर जनरल के पास से होता है कि आप प्रोसिक्यूटर जनरल उसके चेयरमैन के दाखिल करने के दस्तखत करने के बाद आता है, बनाता कौन है रेफरेंस वगैरह? सेक्शन 8 में ये बड़ा साफ लिखा हुआ है कि चेयरमैन जो है वो किसी किस्म की भी कानूनी एडवाइस प्रोसिक्यूटर जनरल से ले सकता है और प्रोसिक्यूटर जनरल का काम है कि वो किसी भी अदालत में ट्रायल से लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या किसी ट्रिब्यूनल में चेयरमैन नैब को रिप्रेजेंट करे। तरीका ये होता है कि जब एक रेफरेंस चेयरमैन के पास आता है तो उसकी एक लीगल वेटिंग होती है जो कि प्रोसिक्यूटर जनरल को दी जाती है कि वेदर द मटीरियल कलेक्टेड इज इनक्रिमिनेटिंग या प्रोसिक्यूटेबल है या नहीं है, उसको प्रोसिक्यूटर जनरल पे ये डिटरमिन करता है कि द मटीरियल कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेशन टीम इज प्रोसिक्यूटेबल और जो डॉक्यूमेंट्स या जो इंफॉर्मेशन उसमें प्रोसिक्यूशन समझती है कि वैलिड नहीं है या जो अदालत में आप साबित नहीं कर सकते या जो आपकी प्रोसिक्यूशन को डैमेज कर सकती है आप उसको एडवाइस करते हो कि इसको बीच में से निकाल दिया जाए। जब ये तमाम इशू होता है तो देन देयर वुड बी वन एग्जेक्टिव बोर्ड मीटिंग। एग्जेक्टिव बोर्ड मीटिंग जो है वो कानून में कहीं भी नहीं दी गई। दिस इज द इंटरनल SOP ऑफ नैब जिसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहते हैं। Before filing a reference, Chairman NAB, Prosecutor General Accountability, Deputy Chairman NAB, Concerned Prosecutor, Concerned Director Investigation and Investigation Team, वो उस reference पे बैठती है और उस पे बकायदा deliberation होती है कि ये evidence जो है ये हमने इकट्ठा किया against the accused और उस पे prosecution अपनी राय देती है कि ये prosecutable evidence है ये एविडेंस प्रोसिक्यूटेबल नहीं है। तो उसके बाद चेयरमैन नैब आफ्टर हैविंग ऑल द डिलीबरेशंस जो रेफरेंस उसके पास जाता है वो साइन करके वापस तफ्तीशी को भिजवाता है जो कि एहतसाब अदालत में दाखिल करता है। जब एक दफा कोर्ट के पास मैटर आ जाए और कोर्ट कॉग्निजेंस ले ले देन उसके बाद फिर चार्ज फ्रेम होने से लेके टिल फाइनलिटी ऑफ द मैटर वो सारा रेफरेंस प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी की जिम्मेदारी है। जो ही रेफरेंस एहतसाब अदालत में दाखिल होता है चेयरमैन नैब
फंक्टस ऑफिशियो हो जाता है, उसका उस पर कोई इख्तियार नहीं रहता, उसके बाद तमाम इख्तियार प्रोसिक्यूटर जनरल के पास आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 31B विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन, व्हाई दिस इज एक इनकॉर्पोरेटेड इन द स्टैट्यूट, इसकी जरूरत क्या थी, विच सेज दैट 31B में आप किसी किस्म की प्रोसिक्यूशन को विड्रॉ कर सकते हो। व्हाट इज द इंटेलिजेंस बिहाइंड इट या नोशन बिहाइंड इट कि रेफरेंस किसने दायर करना है, चेयरमैन नैब ने। जब वो रेफरेंस दायर हो गया और अगर एक्यूज समझता है कि उसके साथ ज्यादती हुई है, देन ही हैज अ राइट टू मेक एन एप्लीकेशन टू द प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी कि ये एविडेंस मेरे खिलाफ इस्तेमाल हुआ है, ये एविडेंस मैंने दिया था और ये मेरे खिलाफ केस नहीं बनता। कानून के तहत प्रोसिक्यूटर जनरल उसको एक्सपेडाइट करता है, वो 31B की दरखास्त के ऊपर कमेंट्स कॉल करता है फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन टीम। आफ्टर हैविंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम बोथ साइड, वो दोनों पार्टीज को बना के सुनता है और उसके बाद अगर तो वो ये समझता है कि अगर किसी एक्यूज्ड को वाकई बेगुनाह पहुंचाया गया है या उसके खिलाफ रेफरेंस बनाया गया है, तो देन ही विल मेक एन एप्लीकेशन बिफोर द अकाउंटेबिलिटी कोर्ट फॉर द विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द पर्टिकुलर एक्यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल प्रोवाइडेड टू द प्रोसिक्यूटर जनरल। लेकिन ये रेफरेंस जमा करवाया जाता है आपसे ओपिनियन लेकर ही बीच में प्रोसिक्यूटर जनरल से करवाया जाता है, तो 31B के तहत फिर उसने तो नहीं बीच में विड्रॉ करना ना कि जिसने एक्चुअली कानून की मंशा अगर आप स्टैट्यूट को पढ़ें तो वहां कहीं नहीं लिखा हुआ कि बिफोर फाइलिंग ऑफ रेफरेंस चेयरमैन प्रोसिक्यूटर जनरल से कोई ओपिनियन लेगा। इन केस आपसे कोई ओपिनियन ली जाती है तो आप वो ओपिनियन उन डॉक्यूमेंट्स पे या उस अवेलेबल मटेरियल पे देंगे जो आपको दिया जाता है। अगर कोई मटेरियल विच इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द इन्वेस्टिगेशन टीम टू द प्रोसिक्यूटर जनरल और वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन एक्यूज सारे कागजात या एविडेंसेस देता है कि जी ये वो कागजात हैं जो मैंने तफ्तीशी को तफ्तीश के दौरान दिए थे और उसने पार्ट इसको रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया, तो ये वो कागजात हैं या एविडेंस है जिससे मेरी इनोसेंस साबित होती है। एक बात आपको बता दें, द अथॉरिटी इज अकाउंटेबिलिटी कोर्ट, एहतसाब अदालत है। प्रोसिक्यूटर जनरल दरखास्त देगा कि मेरे तई I have gone through all the documents which were provided to me by the accused and I have gone through the documents which are appended with the reference. After going through and after hearing all the parties, my findings are as under 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then he will discuss the evidence aur us pe bada speaking or detailed order pass karega in respect of withdrawal of prosecution, in case of withdrawal of prosecution. Then जब कोई ऑर्डर पास करेगा उस ऑर्डर पे ही मूव एन एप्लीकेशन टू अकाउंटेबिलिटी कोर्ट, बिकॉज द अकाउंटेबिलिटी कोर्ट शैल गो थ्रू द ऑर्डर ऑफ द प्रोसिक्यूटर जनरल एंड कॉल ऑल द रिकॉर्ड एंड आफ्टर हियरिंग ऑल द कंसर्न पार्टीज, फिर जो कोर्ट है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट एहतसाब अदालत, वो 31B की दरखास्त मंजूर करके जुडिशली यानी के उस बंदे को फारग करती है। 265K की भी हो सकती है, ये एक स्पेशल प्रोसीडिंग है कि वो कहते हैं कि आप 31B के थ्रू ही जाएंगे, एक्विटल की भी बंदा एप्लीकेशन दे सकता है। CRPC अप्लाई होती है, 265K की दरखास्त बकायदा आती है। सेक्शन 17 में अगर आप आएंगे तो वो कहती है कि CRPC म्यूटेटस मटेंडी वो अप्लाई होगी जहां पे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस खामोश है, साइलेंट है, वहां पे CRPC जो है वो लागू होगी। फॉर एग्जाम्पल प्रोसीजर तो वही है, प्रोसीजर ये है कि आम कानून में आप चलान भेजते हैं, यहां पे चलान नहीं, FIR नहीं होती,
चलान नहीं जाता, यहां पे डायरेक्ट तफ्तीशी जो है वो एक रेफरेंस अदालत में फाइल करता है। चलान कौन भेजता है? पुलिस का एएसआई या सब इंस्पेक्टर। लेकिन जब रेफरेंस अदालत में फाइल किया जाता है तो वो या चेयरमैन नैब खुद फाइल करते हैं या उसका डिजिग्नेटेड ऑफिसर जो कि एक डायरेक्टर जनरल ग्रेड 21 के रैंक का होता है वो रेफरेंस फाइल करता है। इसके तीन तरीकेकार हैं। नंबर वन इज एनी वन कैन फाइल अ कंप्लेंट विद द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। आप मैं इससे पहले इसी से बल्कि पीछे ले जाना चाहूंगा। नैब एक्चुअली किन मामलात को देखती है, और ये पहले अगर एड्रेस कर लिया जाए उसके बाद फिर आगे कैसे होता है, किन मामलात को देखती है और किन बंदों के खिलाफ देखती है? क्या ये सिर्फ एक्टली पब्लिक ऑफिसर्स के खिलाफ हो सकती है, ये प्राइवेट के अगेंस्ट भी हो सकती है, ये पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट भी हो सकती है? ये अगर पहले थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लिया जाए फिर देन वी फॉलो ऑन द प्रोसीजर। पहले सर ये 99 ऑर्डिनेंस है सर, अभी तक प्रोटेक्ट क्यों हुई है? प्रोटेक्ट हो गया ना, आप उसको पढ़े जरा। आपका जो नाम है भाई, ऑर्डिनेंस और एक्ट से फर्क नहीं पड़ता। वंस इट इज प्रोमुलगेटेड एंड इट इज प्रोटेक्टेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। आपका कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 था, कंपनीज एक्ट 2017 में आया। सो क्योंकि इशू ये है कि हम वकला जो होते हैं हम बड़ी निटी ग्रिटीज में जाते हैं कि व्हाई इट्स नॉट एक्ट, व्हाई दिस इज ऑर्डिनेंस, इफ देर इज एनी सेवियर क्लॉज, अगर वो सेवियर क्लॉज है तो क्या है। ये ऑल मैटर्स हैव ऑलरेडी बीन टेकन अप बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और ये डिसाइड हो चुके हैं। जब आपको 18वीं तरमीम में 270AAA के तहत आपको एक सेवियर क्लॉज मिल गया, उसमें जितने एक्ट्स, ऑर्डिनेंसेस, जितने कानून, रूल्स, रेगुलेशन, अपॉइंटमेंट्स SROs उस वक्त की गवर्नमेंट ने दिए 2003 तक, वो सारे क्या हुए? सेव हो गए, वो इंटैक्ट हैं। सो उनको उसी के नाम पे चलाया जा रहा है। अब आपका सवाल और जो मोहम्मद अहमद कयूब ने कहा कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो या नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस का एक्चुअल मैंडेट क्या है, अगर आप इसका प्रीएम्बल देखें, व्हाट द प्रीएम्बल सेज एक्चुअली, इसका प्रीएम्बल ये है, आप इसका प्रीएम्बल निकालें, उसके प्रीएम्बल में लिखा हुआ है कि आपका बेसिक काम क्या है कि जो लूटेड अमाउंट है दैट इज टू रिकवर एंड रिटर्न इट बैक टू द नेशनल एक्सचेकर। बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, देयर इज एन इमरजेंट नीड फॉर द रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट फ्रॉम दोज पर्संस who have committed default in repayments of amount to the banks, financial institutions, blah blah blah. Necessary to provide for effective measure for detection, investigation, prosecution, speedy disposal of the cases involving corruption and corrupt practices. Ab ye corruption aur corrupt practice kya hai? Whether it is only by the public office holders or whether नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस ज्यूरिस्डिक्शन एक आम आदमी पे भी रखता है। एज पर लॉ एंड द लॉ सेटल्ड एज पर स्टैट्यूट एंड लॉ सेटल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन फहमीदा बेगम केस जो फाक फाउंड्री पे था और दूसरा अब्दुल अजीज मेमन, इन दोनों में उन्होंने होल्ड किया है कि नैब कैन टेक कॉग्निजेंस अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल इसकी एक निशानी है सिबकुल हसनैन गिलानी नाउन एज डबल शाह, हु वॉज नॉट सिविल सर्वेंट, हु वॉज नॉट होल्डिंग एनी पब्लिक ऑफिस, बट ही एम्बेजल्ड अ ह्यूज टन्स ऑफ अमाउंट फ्रॉम पब्लिक एट लार्ज। एक आम आदमी था जिसने मुझसे आपसे तीन जिले गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, यहां से एक साल 8 माह में 7 अरब रुपए
इकट्ठे किए. सो FIA has no authority unless के कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर उसमें हो. एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट इस जब तक कोई सरकारी मुलाजिम ना हो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती. लेकिन NAB has the right under the statute to take cognizance against a private person in case if he embezzles or misappropriates a public property or from public at large. आपके बहुत सारे जो फॉर एग्जाम्पल मौलाना एहसान मुफ्ती एहसान सॉरी ये जो बहुत बड़ा स्कैम हुआ पाकिस्तान में ये भी बिलियंस का स्कैम था जिसमें उनको सजा हुई जिसको आप मुदारबा स्कैम कहते हैं. तो क्या था कि इन्होंने ये जो हजरात थे इस्लाम के नाम पे कि जी ये मुदारबा स्कीम है आप पैसे हमें जमा कराएं हम आपको इस पे क्या देंगे प्रॉफिट देंगे. सो ये पब्लिक एट लार्ज जो मैसेस को अट्रैक्ट करता है वहां पे जो प्राइवेट इंडिविजुअल है NAB कानून के तहत इस स्टैट्यूट के तहत एंड बाय वर्चू ऑफ जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपको ऑब्लिगेशंस लेते हैं. रिसेंटली बिजनेस डीलिंग है किसी के साथ वो मुझे नहीं दे रहा तो मैं NAB में अगर कंप्लेंट दूंगा अगर लिमिटेड बंदों का आपस में लेन देन का मामला है वहां पे NAB इंटरफेयर करेगी कि इट हैज टू बी विद द पब्लिक एट लार्ज. इट शुड बी बाय ऑल मींस पब्लिक एट लार्ज. इफ देयर इज अ डिस्प्यूट अ बिजनेस डिस्प्यूट बिटवीन मी एंड मोहम्मद अहमद और अगर मैं अहमद के 10 करोड़ खा जाता हूं तो NAB कॉग्निजेंस नहीं ले सकती. देयर इज अ जजमेंट बाय मिस्टर जस्टिस साकिब निसार जहां पे उन्होंने डिटरमिन किया है कि देयर शुड बी अ क्लास ऑफ पर्सन और कम से कम 28 बंदे या 38 बंदे हैं अगर वो हों और उन्होंने फ्रॉड किया हो उनसे फ्रॉड हुआ हो तो देन वो पब्लिक एट लार्ज की उसमें डेफिनेशन में आते हैं. एक चीज को आप जहन नशीन कीजिए कि कोई भी मैटर जिसमें किसी बैंक का पैसा एम्बेजल किया हो कोई सरकारी खजाने के साथ कुछ किया हो या पब्लिक एट लार्ज के पैसे को खुद किया हो तो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के तहत NAB कार्रवाई कर सकती है. नाउ द क्वेश्चन विच कम्स अगेन जो कि आपने सवाल किया था आप दोहराएंगे उसको. रेफरेंस चेयरमैन NAB के पास रेफरेंस सुओ मोटो इख्तियार है. अगर वो अखबार में पढ़ता है या उसको किसी भी जरिए से या सोर्स रिपोर्ट से ये पता चलता है तो वो इंक्वायरी ऑथराइज कर सकता है. अगर दूसरी उसको कोई कंप्लेंट फ्रॉम पब्लिक और एनी ऑफिस आती है तो वो एंटरटेन करेगा. और तीसरा अगर उसको कोई भी गवर्नमेंट चाहे फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को कंप्लेंट भेजती है तो वो उस पर कॉग्निजेंस लेगा. और चौथा कॉग्निजेंस क्या है दैट इज 31D दैट इज सेक्शन 31D विलफुल डिफॉल्ट. ये जो लोग बैंकों से कर्जे लेके विलफुली फिर 20-25 साल पैसे वापस नहीं करते तो उसके ऊपर जब विलफुल डिफॉल्ट कोई करता है तो चेयरमैन NAB ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंक्वायरी ऑथराइज करता है या डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑथराइज करता है. दिस इज कॉल्ड विलफुल डिफॉल्ट मैटर्स वेयर इन द गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेफर्स अ रेफरेंस फॉर द रिकवरी ऑफ द डिफॉल्टेड अमाउंट. तो उस पे चेयरमैन NAB के पास इख्तियार है कि वो रिकवर अमाउंट करके बैंक को दे. चेयरमैन NAB को कंपेल किया जा सकता है इंक्वायरी इन्वेस्टिगेट या
रेफरेंस जमा करवाने के लिए उसके सामने मामला आया, वो कहता है कि नहीं बनता, कैन आई गो अहेड एंड फाइल अ रिट पिटीशन कि जी मैंने दिया था और कोर्ट बीच में इसमें देखे एंड कैन द कोर्ट गिव हिम अ डायरेक्शन कि ये इसकी अपनी डिस्क्रेशन. रिसेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द कोर्ट हैज डायरेक्टेड टू फाइल रेफरेंस. नैब को ये डायरेक्शन दी गई कि आप ये रेफरेंस फाइल करें on the material collected by NAB itself and by the joint investigation team. अब कानून में रेफरेंस दायर करने के बारे में कहीं नहीं लिखा गया. The sole authority to inquire into investigation and filing of reference rests with the chairman NAB. But बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जहां पे हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट मैटर टू इंक्वायर इनटू और इन्वेस्टिगेट नैब को भिजवाती हैं. देर आर फ्यू मैटर्स इन सिंध जिसमें सिंध हाई कोर्ट ने नैब को मैटर भिजवाए कि आप इस पे तफ्तीश करके हाई कोर्ट में अपने इंक्वायरी रिपोर्ट को जमा करवाएं. In a very top-notch case, Behriya Town, Karachi, when I was Prosecutor General, the matter was taken up by the Supreme Court Registry at Karachi. बहुत बड़े-बड़े वकील थे and by the end of day, 2-2.5 घंटे के बाद, I was so successful and I obtained a stay order, restraining order against the Behriya Town for construction there. ये जब केस चलता रहा तो उसमें द कोर्ट डायरेक्टेड द नैब टू फाइल रेफरेंस विद इन 45 डेज. हमें डायरेक्शन दी गई टू फाइल रेफरेंस विद इन 45 डेज. उस ऑर्डर के अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ सिंध, बहरिया टाउन, अदर जो के कंसर्न पार्टीज थी वो सुप्रीम कोर्ट में उस ऑर्डर के अगेंस्ट गई जिसमें उस ऑर्डर को रिव्यू किया गया और फाइलिंग ऑफ रेफरेंस विद इन 45 डेज की जगह इन अकॉर्डेंस विद लॉ कर दिया गया. बट इन द पनामा केस ऑन सर्टन कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट बाय जेआईटी, जब जेआईटी ने अपनी तफ्तीश की क्योंकि दोज फ्यू मैटर्स वर ऑलरेडी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन विद नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, और उस पर जो सबसे बड़ी बात थी नैब ने जो अपना पहला जवाब जमा करवाया था उसमें खुद नैब ने जेआईटी बनाने का जिक्र किया था और डायरेक्शन सीख की थी. सो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन दैट पर्टिकुलर मैटर डायरेक्टेड द नैब टू फाइल अकाउंटेबिलिटी रेफरेंस बिफोर द एहतसाब अदालत विद इन 60 डेज, और वो नैब ने अपना स्टैट्यूटरी जो ड्यूटी थी उसको पूरा किया और 60 दिन के अंदर वो रेफरेंस फाइल हुए. इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ये रेफरेंस क्या बीच में जरा स्टेजेस होंगे थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर दें. इंक्वायरी खाता आया किसी का या उसने चेयरमैन ने कहा कि जी इस मामले में क्या होता है इसमें बता दें सर हमारे ये एक्टिव स्पोर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं क्या इसी प्रोसेस में एक्टिव स्पोर्ट्स होते हैं इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी जो इनके सस्पेंशन डिपेंड. ओके, अगर एक चेयरमैन नैब को एक एप्लीकेशन आती है कि फॉर एग्जांपल फलां साहब हैं ही इज अ सिविल सर्वेंट और इनकी 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो सबसे पहले वो दरख्वास्त जो चेयरमैन नैब होते हैं वो कंप्लेंट वेरिफिकेशन के लिए कंप्लेंट वेरिफिकेशन सेल है उसको भिजवाते हैं. जो ही वो दरख्वास्त कंप्लेंट वेरिफिकेशन सेल को मिलेगी उसको पढ़ने के बाद जो कंसर्न्ड ऑफिसर होता है वो कंप्लेनेंट को बुलाता है और वेरीफाई करता है कि वेदर द कंप्लेंट सबमिटेड बिफोर चेयरमैन नैब इज जेन्युइन एंड सबमिटेड बाय दैट वेरी कंप्लेनेंट. अगर वो इसको वेरीफाई करता है देन ही हैज टू गिव एन एफिडेविट द एप्लीकेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज कंप्लेंट कि जो भी अवर्मेंट्स हैं वो दुरुस्त है. इस सारे प्रोसेस के बाद देन द मैटर अगेन रेफर टू द चेयरमैन नैब और एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द चेयरमैन नैब टू टेक कॉग्निजेंस.
उसमें फिर कंप्लेंट वेरिफिकेशन के बाद मैटर को फॉर्मली अंडर द स्टैट्यूट इंक्वायरी में लिया जाता है और उस मैटर की इंक्वायरी की जाती है. पूरे स्टैट्यूट में इंक्वायरी के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया गया, ना ही कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई टाइम फ्रेम दिया गया है. सिर्फ एक टाइम फ्रेम दिया गया है फॉर कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, दैट इज 30 डेज, कि 30 दिन में अपने ट्रायल को कंक्लूड करना है और 90 दिन का रिमांड आपको अंडर द स्टैट्यूट अलाउ किया गया है कि आप 90 दिन तक रिमांड ले सकते हैं. इंक्वायरी क्यों की जाती है? इंक्वायरी इसलिए की जाती है कि सेटिस्फाई किया जाए कि देयर इज मीट अवेलेबल इन द मैटर अंडर हैंड, देयर इज सम इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल अवेलेबल दैट यू कैन formally authorize an investigation. Because inquiry ये है जो कि आप एक बातचीत से ये अपने आप ये evaluate करते हैं कि हाँ कि there is some offence, कोई जुर्म हुआ है, कोई embezzlement, misappropriation हुई है, there is an act of corruption and corrupt practices by that particular person, इसने 10-20 करोड़ रुपया खाया है. जब आप ये सेटिस्फाई होते हैं इंक्वायरी में, देन द कंसर्न जो इन्वेस्टिगेशन टीम होती है वो अपनी रिकमेंडेशंस के साथ चेयरमैन को या डायरेक्टर जनरल को भिजवाता है कि जनाब हमने इसको इंक्वायर इनटू किया है और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी हमने जो मटेरियल इकट्ठा किया उससे ये साबित होता है कि एक्ट ऑफ करप्शन है, करप्शन हुई है, पैसा बनाया गया है, किकबैक्स ली गई हैं या पब्लिक एट लार्ज को लूटा गया है, उसके ऊपर फॉर्मली इन्वेस्टिगेशन ऑथराइज हो जाती है. वंस इन्वेस्टिगेशन इज देयर, देन द पर्सन हु इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड इज एन अक्यूज्ड ऑफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, और फिर उसके अगेंस्ट जो एविडेंस इकट्ठा किया जाता है वो एविडेंस वो होता है जिसको हम आम जुबान में प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस कहते हैं, यानी कि वो एविडेंस जिससे उस बंदे को प्रोसिक्यूट किया जाए. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ सिविल सर्वेंट, मेरी 20 साल की सर्विस है और 20 साल में मैं नौकरी करके ग्रेड 19 में पहुंचा. जब मैं ग्रेड 19 का अफसर हूं तो मेरे ऊपर एक एलिगेशन आया कि मेरी DHA में 5 करोड़ की कोठी है, मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, बेटा मेरा जो है वो लंदन पढ़ता है, बेटी मेरी यहाँ UCL में पढ़ती है और मैं बड़ी लेविश लाइफ गुजार रहा हूँ. उसके अलावा आई होल्ड 1 पेट्रोल पंप, ब्ला ब्ला, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जो कि मेरे मींस से बहुत ज्यादा है. फॉर दैट रीजन जब आपकी इंक्वायरी ऑथराइज होती है, इट इज सफिशियंट जब आप अक्यूज को बुलाते हैं, आप कहते हैं कि जनाब आप ये बताइए कि आपकी कोठी 5 करोड़ की है, 1 कनाल की DHA में, आप उसकी पेपर्स लाएं, उसकी टाइटल डीड लाएं, आप उसको ये कहते हैं कि आप ये बताइए कि जनाब आपके सुना है बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, आप बच्चों की फीस कितनी देती हैं वो लेके आए. सो यू सेटिस्फाई योर सेल्फ कि हाँ यार, एक 80,000 रुपया तनख्वाह लेने वाला ग्रेड 19 का जो है बंदा, उसकी बेटी पाकिस्तान में पढ़ी जो 80,000 रुपया महीना फीस देती है, बेटा उसका बाहर पढ़ता है जिसकी 28 लाख रुपए साल की फीस है. ये सारे जब आप एस्पेक्ट इकट्ठे करते हैं तो फिर आपके पास क्या होता है कि यस, देयर इज सफिशिएंट मीट फॉर यू टू कन्वर्ट दैट इंक्वायरी इनटू इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन में फिर आप उसके बैंक अकाउंट्स लेते हैं, फिर बच्चों की तमाम डिटेल्स लेते हैं, उसकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स लेते हैं, जो कंसर्न बंदे हैं, फिर उसके 161 के बयान भी होते हैं, फिर आप सीजर मेमो के तहत उसकी जो प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो बैंक अकाउंट के डॉक्यूमेंट हैं वो लेते हैं. आप जो एक CRPC में तफ्तीश का एक तरीकाकार है उसके तहत आप सीजर मेमो भी बनाते हैं, आप बयानात भी लेते हैं और आप अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड करते हैं. दो स्टेजेस जी, दो स्टेजेस नहीं, दो स्टेजेस क्यों?
एक ही बारे में क्यों नहीं वन वे दो स्टेजेस इसलिए दी गई हैं कि इन केस एट द टाइम ऑफ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में ये होता है कि इफ यू गो डायरेक्टली इनटू इन्वेस्टिगेशन एंड देयर इज नथिंग अगेंस्ट द पर्सन देन आपको 9C के तहत यू हैव टू गो फॉर क्लोजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन बिफोर द अकाउंटेबिलिटी कोर्ट देन इट इज एन एम्बैरेसमेंट फॉर व्हाट एम्बैरेसमेंट फॉर द ब्यूरो फॉर द इन्वेस्टिगेशन टीम कि आपने जब ये काम किया तो आपने क्या किया Why don't you satisfy yourself? आपने एक बंदे को बुलाया एक दफा दो दफा दस दफा आपने उसके खिलाफ एक तफ्तीश जैसे हम पक्की तफ्तीश आम जुबानी में कहने पक्का पर्चा दे देता तो जब आप उसके खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन ऑथराइज कर देते हैं तो देन यू हैव टू ओनली आइदर टू फाइल ए रेफरेंस अगेंस्ट हिम सही रेफरेंस या टूटा फूटा रेफरेंस कि अपनी स्किन सेव करने के लिए या जब आप क्लोजर के लिए जाते हैं जब आप क्लोजर के लिए जाएंगे तो ऑब्वियसली उस इन्वेस्टिगेशन टीम से जो ऊपर बैठा हुआ है वो ये जरूर पूछेगा व्हाट वाज द रीजन दैट यू रिकमेंडेड फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड नो आफ्टर टेकिंग 4-5 months यू आर आस्किंग मी टू क्लोज दिस केस सो इसलिए इंक्वायरी रखी गई है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी आप जब एक जिस बंदे के खिलाफ एक कंप्लेंट को आप इंक्वायरी इनटू कर रहे हैं आप प्रोब कर रहे हैं आपके पास सफिशियंट एविडेंस आ जाता है कि वेदर आपने इसको आगे लेके चलना है या वहीं पे रोकना है इंक्वायरी अंडर द लॉ चेयरमैन और द पर्सन ऑथराइज बाय हिम वो बंद कर सकता है लेकिन जब फॉर्मली इन्वेस्टिगेशन ऑथराइज हो जाए तो वो 9C में चेयरमैन बंद करेगा और उसकी अप्रूवल कहां से लेगा एहतसाब अदालत से एट सम टाइम्स एहतसाब अदालत कहती है कि आपकी जो ये फाइंडिंग है मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूं वाई देर वॉज अ रीजन कि आपने उस वक्त एक इन्वेस्टिगेशन ऑथराइज की इट मीन्स देर वॉज सम मीट अवेलेबल नो फाइल द रेफरेंस प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद लॉ तो उस वक्त फिर ये होता है कि जब आप रेफरेंस टूटा फूटा डालते हैं और 6 महीने बाद जब एक्विटल होती है तो देन उसके बाद एम्बैरेसमेंट के सिवा आपके पास कुछ नहीं रहता नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि आप किसी मैटर को रीओपन नहीं कर सकते बिकॉज रीजन नंबर वन पहली बात यह है कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक मैटर आता है पर्टिकुलर कि ये 2-3 अराजी हैं करोड़ों रुपए की हैं जिसको एक माल अफसर ने फ्रॉडुलेंटली डिस्क्रीटली बगैर किसी को बताए कागजात में हेर फेर करके बेच दिया जो कि अमूमन हमारे यहाँ पटवारी करते हैं और ये माल अफसर करते हैं कि ज़मीन मेरी है आपको मिल जाएगी और लट्ठे पे कुछ का कुछ हो जाता दिस इज वन मैटर उसके खिलाफ दरख्वास्त जाती है माल अफसर के खिलाफ वो आप देखते हैं वो साबित होता है कि ये उसने काम नहीं किया टू दैट एक्सटेंट वो क्लोज हो जाता है कल को दोबारा दरख्वास्त आती है कि जनाब ठोकर नियाज बेग नहीं इसने किला गुजर सिंह में ये काम किया है दैट इज अ सेपरेट ऑफेंस क्योंकि एक आप मैटर आपके सामने है पर्टिकुलर टू वन लैंड इन रिगार्ड टू ठोकर नियाज बेग वो आपने बंद कर दी क्योंकि वहां साबित नहीं हुआ लेकिन उस बंदे ने एक से ज्यादा ऑफेंसेस किए हैं एक से ज्यादा जगह पे उसने अराजी के साथ ये सारा कुछ किया है तो वो नैब जरूर कॉग्निजेंस लेती है और उसके ऊपर मैटर टेकअप होता है अगर आपने ओवरलुक कर दिया है एक एक एविडेंस था प्रोसिक्यूशन ने ओवरलुक किया और 9C फाइल कर दिया बाद में उनके नोटिस में आया कि ये एविडेंस ओवरलुक हो गया है उसकी फिर अदालत करेगी तो ठोकर नियाज बेग के लिए ही मैं ठोकर ने अगर वो है देखें एविडेंस हमेशा बड़ा क्लियर होता है इसकी मिसाल मैं देता हूँ एक केस की आपको जो आपने बात की इट वॉज अ पर्टिकुलर केस ऑफ कराची विदाउट मैंशनिंग द टाइटल ऑफ द केस बैंक का केस था उस पर आया कि इस शख्स ने इतने पैसे इस बैंक के अकाउंट से एम्बेजल किए हैं बीइंग अ बैंकर 7-8 करोड़ का था By the end of day, जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसमें यह साबित हो गया कि वो पैसे एम्बेजल नहीं हुए वो पैसे उस अकाउंट से उस पर्टिकुलर अकाउंट से एम्बेजल नहीं हुए क्योंकि जब आपके पास रिकॉर्ड आता है तो डेबिट क्रेडिट तमाम
آپ دیکھتے ہیں اگر میں نے 5 سال کے عرصے میں 1 کروڑ روپیہ جمع کرایا ہے تو اس 5 سال کے عرصے میں میں نے کچھ پیسے نکالے بھی ہوں گے. اس 5 سال کے عرصے میں بہت سارے چیکس باہر سے بھی آئیں گے, ڈیمانڈ ڈرافٹ بھی آئے ہوں گے, کوئی میرے بیٹے نے کوئی بیوی نے بھی پیسے جمع کرائے ہوں گے گزرتے ہوئے کہ یار یہ کروا دینا. بہت سارے پیسے جو نکلوائے ہوں گے چیک میں دے دیتا ہوں, سیلری چیک دے دیتا ہوں. آپ آئے ہیں, آپ کو میں نے کہا یار یہ تمہیں 20,000 چاہیے, چیک لے جاؤ. سو بائی دی اینڈ آف ڈے جب آپ پلس مائنس کرتے ہیں اپنی تفتیش میں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ دیر از نو امبیزلمنٹ. 7 کروڑ اتنے عرصے میں آیا اور ان مد میں یا ان لوگوں نے یہ پیسے نکلوائے اور جمع کرائے. سو دیر از نو امبیزلمنٹ اور مس اپروپریشن ٹو پرٹیکولر اکاؤنٹ فاؤنڈ آؤٹ. ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوگا, وہ کیس کیا ہوگا, بند ہوگا. سو جب کوئی کیس بند کیا جاتا ہے اس کے تمام پروس اینڈ کونس کو, اس میں میٹیریل کو کلیکٹ کیا جاتا ہے. ان کیس وہی ٹھوکر نیاز بیگ والی بات کہ وہ بند کر دیا, لیکن اس میں کیا نیا میٹیریل آئے گا, اس میں یہ نیا مٹیریل آ سکتا ہے. آپ سپوز کہ یہ 10 ایکڑ اراضی تھی, یہ وقاص ڈار کی تھی. الزام یہ ہوا کہ جناب اس نے وہ 10 جو ایکڑ کی اراضی تھی وہ محمد احمد قیوم کے نام لگا دی, اور یہ شو ہوتا رہا کاغذات میں کہ وہ میں ہوں, اور وہ آگے 2 ہاتھوں میں پک گئی. بائی دی اینڈ آف ڈے جب آپ نے اس میں تفتیش کیا تو احمد اور وقاص کے درمیان جتنے بھی ایگریمنٹس ہوئے تھے فار سیل آف لینڈ وہ سامنے آ گئے, اور یہ ثابت ہو گیا کہ جو ٹائٹل ٹرانسفر ہوا ہے وہ قانونی طور پہ ٹرانسفر ہوا ہے. ہاں یہاں پہ ایک نیا ایشو آ سکتا ہے کہ وہ جو زمین ٹرانسفر ہوئی تھی اس کے ٹرانسفر کے لیے جو مال افسر تھا اس نے 50 لاکھ رشوت لی تھی. پہلے یہ تھا کہ اس نے پیسے بنائے ہیں, کس لیے کہ یہ زمین چھپڑ کر کے اور وداؤٹ دی نالج آف دی اونر اس کو ٹرانسفر کر دیے دوسرے کے نام. بٹ جب یہ ثابت ہو گیا تو سم بڈی لیٹر آن کمز ود دی اسٹینس کہ اس نے 50 لاکھ رشوت لے کے یہ کام کیا تھا. Yes, you can open that case, but not for that particular issue. کہ جی پھر آپ کہیں گے کہ جی اس نے کرپشن کی ہے, اس نے پیسہ بنایا ہے. ٹھیک ہے, ڈبل جیپرٹی کا کانسیپٹ ایکچولی انکوائری اور انویسٹیگیشن پہ تو نہیں لگے گا, وہ تو پروسیکیوشن کے اوپر ہوگا. تو اگر آپ دوبارہ اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرنا بھی چاہتے ہیں یا انکوائر کرنا بھی چاہتے ہیں تو آئی ڈونٹ سی اینی ابہام. یہاں پہ مجھے بتائیں کہ میرے کون سے دوست ہیں جو کرمنل کی پریکٹس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میرا ایک سوال ہے کہ جب ایف آئی آر خارج ہو جاتی ہے اس پہ سرخ لکیر لگ جاتی ہے, اخراج ضمنی بنتی ہے, ایس ایچ او آگے بھجواتا ہے, ڈپٹی آگے مجسٹریٹ کو بتاتا ہے, مجسٹریٹ اس کو دیکھ کے کہتا ہے کہ جی خارج, یہ ایف آئی آر ختم, اور اس کے اوپر پھر لال لکیر لگا دی جاتی ہے, کیا وہ ایف آئی آر ریسٹور ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی, یہ بتائیں. ڈسچارج ایک اور چیز ہے, مکس نہیں کریں, ڈسچارج از سم تھنگ ایلس. سارے وکیل بیٹھے ہیں, سوچ سمجھ کے بات کرنی کہ ڈسچارج کیا ہے اور کینسلیشن کیا ہے, کینسلیشن آف ایف آئی آر کیا ہے. لیکن ہمارے یہاں نیب میں ایک کیس ریوائیو ہوا ہے ریسنٹلی ان 90s, اب مجھے یاد نہیں ہے, 2003 یا 2004 میں ایک بندے کا آیا کہ بندہ مر گیا ہے اور وہ ریفرنس فائل ہو گیا, اس میں ڈسیز لکھا گیا, کراچی کا میٹر تھا. سن 2017 میں پتہ چلا جی وہ تو اب گریڈ 17 سے 19 میں پہنچ گیا ہے اور وہ تو زندہ ہے. تو پھر کیا بنا, وہ کیس ریوائیو ہوا بیکاز یو ہیو دی ایویڈینس. پہلے یہ ایویڈینس تھا مر گیا, پروسیڈنگ ابیٹ ہو گئی, سم بڈی میڈ اے اسٹیٹمنٹ بفور دا کورٹ کہ جی بندہ مر گیا, یہ اس کا آ گیا, آبویسلی وہ کراچی میں تھا, کراچی سے وہ کہیں آگے پیچھے ہو گیا. 2003 سے لے کے 2017 کتنے سال ہو گئے, 14 سال, وہ مرا پایا گیا, وہ 17 سے 19 میں پہنچ گیا,
तो किसी मैटर में वो स्कैन हो गया और वो सामने आ गया, सो फिर क्या बनेगा? कानूनी तौर पे वो मैटर क्या होगा? रिस्टोर होगा. बिकॉज एनालॉजी क्या है कि उस वक्त जब उसको बताया गया कि प्रोसीडिंग अबेट हुई टू हिज एक्सटेंट, तो वो एक बोगस डॉक्यूमेंट पे था जबकि वो मरा नहीं था. सो वो प्रोसीडिंग्स रिवाइव हुई नैब में, नैब ने उसको इंक्वायर इनटू करके उसके खिलाफ फिर रेफरेंस करेगा कौन? आप खुद करेंगे, कोर्ट से परमिशन लेंगे? नो नो, किसी भी केस नैब कोर्ट में जान पहुंचने से पहले मैं पहले वाली स्टेजेस के बारे में पहले क्लियर हो जाए. नैब कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन बड़े मजे की अभी बताते हैं, अभी उसकी तरफ आते हैं. एक क्वेश्चन यार, अभी उधर मैं पहुंचने नहीं, दो मिनट आप मुझे दें, मजा नहीं आएगा. इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन का मामला सारा खत्म कर लें सर. इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में आप बुलवाते कैसे हैं? वी कॉल टू इंफॉर्मेशन नोटिसेस. एक लैंडमार्क जजमेंट है रहमत हुसैन जाफरी साहब की 2007 कराची पीएलडी, उसमें रहमत हुसैन जाफरी साहब ने होल्ड किया कि इन केस जब भी नैब ने बुलाना है वो इन राइटिंग नोटिस भेजेगी, नंबर वन. नंबर टू, अगर आपको नैब ने बुलाया है बतौर विटनेस तो उस नोटिस में लिखा जाएगा कि आप बतौर विटनेस तशरीफ लाइए, और अगर आप अक्यूज हैं तो उस पर लिखा जाएगा आप अक्यूज हैं और आके आप अपने आप को इनोसेंट. इंक्वायरी के स्टेज पे भी? इंक्वायरी के स्टेज पे भी, वहां पे भी अक्यूज लिखा जाएगा? अक्यूज, क्योंकि कानून बड़ा अजीब है नैब का कि एट इंक्वायरी स्टेज चेयरमैन हैज द पावर टू अरेस्ट अ पर्सन वेदर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन. इंक्वायरी में अगर आप अरेस्ट होते हैं, जो ही आप अरेस्ट होंगे मैटर विल कन्वर्ट इनटू इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज देन देयर इज नो नीड टू इंक्वायर इनटू एंड यू हैव टू फाइल अ रेफरेंस एक्सपेडिशियसली. ये मैं पूछना चाह रहा था कि नोटिसेस वगैरह आते हैं तो कई दफा तो आप बुलाते हैं तो फिर बैठा भी लेते हैं. रिसेंट केस हुआ, चार लोगों को रिसेंटली पकड़ा गया, इंक्वायरी स्टेज पे उनको बुलाया. एप्रीहेंशन ये थी कि वो एब्सकॉन्ड कर जाएंगे, नंबर वन जो नैब कहती है, नंबर टू के जो एविडेंस है वो उसको खुर्द-बुर्द कर देंगे, आगे पीछे कर देंगे. सो फॉर दैट टू पर्टिकुलर रीजंस उन्होंने अरेस्ट वारंट लेके उनको अरेस्ट किया, और अब उनके लिए एक चीज बड़ी मैंडेटरी है, मुख्तलिफ केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है ऑन द एनालॉजी, क्योंकि 90 दिन क्या है आपके पास रिमांड के लिए, बट फॉर फाइलिंग ऑफ रेफरेंस कहीं पे कोई टाइम लिमिट डिटरमिन नहीं है ऑर्डिनेंस में. सो इट मींस कि 90 दिन में आपने तफ्तीश मुकम्मल करनी है और 90 दिन के बाद 91 दिन आपने रेफरेंस दायर करना है. देर इज एसओपी बाय द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो कि बहुत जरूरी है. उसमें यह है कि जब आपके पास कोई कंप्लेंट आएगी तो कंप्लेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके पास क्या है? 2 मंथ्स. 2 महीने में आपने कंप्लेंट को वेरीफाई करना कि वेदर क्रेडेंशियल्स जो है वो ठीक है. एनोनिमस सोडोनिमस दो नंबर कंप्लेंट्स, बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता और वो एक कंप्लेंट फाइल हो जाती है. सो 2 महीने में आपने उस कंप्लेंट को वेरीफाई करना है. जब वेरिफिकेशन हो जाती है और उसको कन्वर्ट करते हैं इंक्वायरी में, देन एज पर एसओपी, बिकॉज देर इज नो टाइम लिमिट फॉर इंक्वायरी, एसओपी ये है कि 4 माह में आपने इंक्वायरी को कंप्लीट करना है, 4 मंथ्स. और अगर आप समझते हैं कि इंक्वायरी में आपके पास इतना मटेरियल है कि इसको इन्वेस्टिगेशन में लेके जाना है, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए भी 4 माह दिए गए हैं कि 4 माह में जो कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम है उसने 4 महीने में इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड करना है. सेकेंडली, इन केस अगर 4 माह में कोई मामलात कंक्लूड नहीं होते, देन इन्वेस्टिगेशन टीम को चेयरमैन नैब से 10-15 दिन या 1 माह जो भी मांगना है उसके लिए रीजनिंग देके उसके लिए टाइम को एक्सटेंड करवाना पड़ता है. आपको एक ये भी बता दूं कि अमंगस्ट ऑल दी नैब्स 7 रीजन हैं पाकिस्तान में, 7 ऑफिस हैं नैब के,
और एक सब ऑफिस है, इनका आपस में मुकाबला होता है कि कौन सी नैब ने अच्छा काम किया, कहाँ पे रिकवरी ज्यादा हुई है, किस नैब ने अच्छे केसेस बनाए और इनका कन्विक्शन रेट अच्छा है। रिकवरी की बात कर लूं, द टाइम आई लेफ्ट नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, मैंने जब अपना ऑफिस 23 नवंबर 2017 को छोड़ा, तो उस दिन तक जब से नैब बनी थी सन 1999 दिसंबर से, तो नैब ने 288 अरब रुपए इकट्ठे किए थे, रिकवरी 288 बिलियन। ये मुंह से इंसान कहता कि इतनी रिकवरी हुई है, आप यहाँ पे एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट को देख लें या फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को देख लें, जिनके पास मैन पावर भी है, जिनके पास फैसिलिटीज भी हैं। नैब टोटल जो है वो 2032 या 33 नफूज पे मुश्तमिल है, इंक्लूडिंग 106 प्रोसिक्यूटर्स जो कॉन्ट्रैक्ट में हैं। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, 565 के लगभग हैं, बाकी जितने भी हैं वो स्टाफ ड्यूटी पे। इसमें चेयरमैन नैब भी है, इसमें डिप्टी चेयरमैन भी है, डीजीज भी हैं, डायरेक्टर्स भी हैं, एडमिन जॉब करने वाले भी हैं, प्रोक्योरमेंट वाले भी हैं, एचआर वाले भी हैं, ये सारे हैं। नैब इज वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। नैब पे जो 1999 दिसंबर से ले के 2017 नवंबर तक खर्चा हुआ वो 11 बिलियन का टोटल है। कितना? 11 बिलियन, जिसमें मेरी तनख्वाहें भी शामिल होंगी। तो आप ये देखें कि इन केस अगर नैब को हम बुरा भी कहते हैं, तो एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन ने एक छोटे से स्पैन में 288 अरब इकट्ठे किए और सारा खर्चा उसका जो है वो कितना था? 11 अरब। इट मींस इकट्ठे किए क्या मतलब सर? ये वॉलंटरी रिटर्न प्ली बार्गेन क्या होता है? दिस इज, ये अभी आपको मैं बताता हूँ कि वॉलंटरी रिटर्न एंड प्ली बार्गेन, इट इज नॉट ओनली द वॉलंटरी रिटर्न एंड प्ली बार्गेन, दिस इज द मनी यू हैव कलेक्टेड इन वॉलंटरी रिटर्न, इन प्ली बार्गेन, इन विलफुल डिफॉल्ट मैटर्स, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रेड्स यू कलेक्टेड द इल गॉटन मनी, केप्ट एट होम, जेवर, ये वो हर चीज, फॉरेन ज्यूरिस्डिक्शन से जो आप पैसे लेके आए और वो जो इल गॉटन मनी से प्रॉपर्टीज आपने रिकवर की और जो स्टेट को दी, ये सारा उसमें शामिल है। सबसे पहले हम कोर्ट तक पहुंचे हैं, पहले बता दीजिए सर, ये वॉलंटरी रिटर्न प्ली बार्गेन का इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन से क्या ताल्लुक होता है? वॉलंटरी रिटर्न एंड प्ली बार्गेन, जिसको हमेशा टीवी पे जो एंकर पर्सन या टीवी वाले एक ही चीज गिरदारते हैं और एक बड़ा मनफी सोच को डिवेलप किया गया बाय मीडिया अगेंस्ट द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो इन द नेम ऑफ प्ली बार्गेन। अखबारों ने बहुत गंद लिखा, लेकिन हमें वकला को इस चीज को देखना चाहिए। और मैं भी आपसे भी सवाल करूंगा, आई एम नॉट सपोर्टिंग द नैब, बट आई एम गिविंग द फैक्ट। वॉलंटरी रिटर्न क्या होता है? दिस इज एट इंक्वायरी स्टेज, इट इज एट द इंक्वायरी स्टेज। और वॉलंटरी रिटर्न अंडर सेक्शन 25A होता है और उसको इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड किया हुआ है, विच इज सस्पेंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट कि आप वॉलंटरी रिटर्न नहीं करेंगे। उसकी एक मिसाल बहुत बुरी जो सामने आई वो मैं आपको बता देता हूं कि व्हाट वाज द रीजन व्हाई वॉलंटरी रिटर्न वाज सस्पेंडेड। वॉलंटरी रिटर्न बेसिकली ड्यूरिंग इंक्वायरी, इफ समबडी विलफुली कम्स फॉरवर्ड एंड सेज कि जी मेरे खिलाफ आपने इंक्वायरी ऑथराइज की है, हाँ मैंने करप्शन से पैसा बनाया है और मेरे पास ये 5 करोड़ इल गॉटन मनी पड़ा हुआ है, ये मैं विलफुली आपको वापस करना चाहता हूँ, ही मेड एन एप्लीकेशन टू चेयरमैन नैब, और चेयरमैन नैब उसकी एप्लीकेशन को अगर समझता है कि इसने वाकई 5 करोड़ रुपए खाए हैं, तो कहेगा कि डिपॉजिट 5 करोड़ इन द नेशनल एक्सचेकर। जोर मैं दूंगा, नेशनल एक्सचेकर। तो वो पैसे जब जमा कराता है तो वो इंक्वायरी चेयरमैन नैब बंद कर देता है ये लिख के ही वॉलंटरी
comes forward and deposed before the office that he made or he embezzled or misappropriated this money or wo ye ill-gotten money wapas dena chahta hai. Once he entered into the voluntary return, to uske baad he can hold his public office. Agar wo assistant commissioner hai, SP hai, DC hai, kisi bhi sarkari mulazmat mein hai, wo apna office retain karega, naukri se nahi jayega aur us pe kala kalank nahi lagta. Lekin it is up to the concerned governments, because jab aap voluntary return karte hain तो NAB की तरफ से कंसर्न गवर्नमेंट को एक लेटर जाता है कि आपके फला अफसर ने अंडर सेक्शन 25A वॉलंटरी रिटर्न किया है और इतने करोड़ या इतने लाख सरकार के खजाने में जमा करवाए हैं. दिस इज फॉर योर इंटीमेशन कि उन्होंने जो करप्शन और करप्ट एक्ट से पैसा बनाया था वो सरकार में जमा करा दिया है. नो, इट इज अप टू द कंसर्न गवर्नमेंट कि जब उसके पास ये लेटर आए तो उसको फिर पीड़ा के तहत ये जो भी है एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स जो भी कानून होगा उसके तहत काम करना चाहिए. ये उनका काम है. व्हाई दिस वॉलंटरी रिटर्न वाज सस्पेंडेड. एक साहब थे जो कि अफसर थे सिंध में, उन्होंने एक 5-7 करोड़ की वॉलंटरी रिटर्न की एंड देन ही केम बैक और अपने दफ्तर में वापस आ गए और उन्होंने मार धाड़ दोबारा शुरू कर दी और किसी और केस में वो सामने आ गए एंड द मैटर वाज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम साहब ने मुझे कहा कि वकास साहब ये बताइए कि ये क्या कानून है कि वॉलंटरी रिटर्न आप हराम खाते हैं, हराम आप सरकार में वापस जमा करा के आप आ जाते हैं, तो क्या ये नाइंसाफी नहीं है? तो जब उन्हें मैंने कहा कि जी जो आपका प्रीएम्बल है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस का, उसकी तो मंशा ये है कि आप लूटेड मनी को इकट्ठा करें. ये कानून है, कानून नैब ने इटसेल्फ नहीं बनाया, इट इज बाय द लेजिस्लेचर्स. ठीक है, तो उसमें कहा है कि आप लूटेड मनी को इकट्ठा करें. दिस इज अ वेरी नॉवल कंसेप्ट विच वॉज गिवन इन पाकिस्तान इन शेप ऑफ वॉलंटरी रिटर्न. प्ली बार्गेन और प्ली एग्रीमेंट्स ब्राजील, यूनाइटेड स्टेट्स में, कनाडा में, इंग्लैंड में, जो बच्चे वहां पे पढ़ के आए उनको पता है कि अंदर द प्ली एग्रीमेंट प्ली बार्गेन एग्जिस्ट करती है. नो, आई कम टू द प्ली बार्गेन. के वट इज प्ली बार्गेन? प्ली बार्गेन होती है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इवन ड्यूरिंग ट्रायल, और अगर आपको सजा हो जाए और आप अपील में भी हों तो उस मौके पर भी, उस वक्त भी प्ली बार्गेन हो सकती है. नाउ द क्वेश्चन जो आप लोग पूछेंगे या जो मीडिया पे या अखबार में बताया जाता है कि जी 1 करोड़ की जगह 20 लाख दे के आप प्ली बार्गेन कर लेते हैं, मेरा सिंपल आपसे सवाल ये है, जब आपके खिलाफ 10 करोड़ का रेफरेंस हो और वो अदालत में चल रहा हो और कानून ये कहता है कि प्ली बार्गेन एक्सेप्ट एहतसाब अदालत ने करनी है, एक्सेप्टेंस इज बाय द अकाउंटेबिलिटी कोर्ट, अक्यूज्ड हैज अ राइट अंडर द स्टैट्यूट टू मूव एन एप्लीकेशन टू चेयरमैन नैब कि जनाब ये 10 करोड़ मैंने खाए हैं, ये मैं 10 करोड़ वापस देता हूं, अपना गिल्ट मानता हूं, ये मेरे से पैसे लेके प्ली बार्गेन कर ली जाए. सेक्शन 25B में एक वर्ड लिखा है गेन्स, गेन्स GAINS, गेन्स मेड ऑन द अमाउंट. ठीक है, एम्बेजलमेंट थ्रू एम्बेजलमेंट और मिस अप्रोप्रिएशन और करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस. फॉर एग्जांपल, आपने 10 करोड़ पैसा सन 1990 में खाया और उसको 2018 तक इस्तेमाल किया, तो कानून के मुताबिक उस पैसे के ऊपर जितने पैसे बनते हैं वो भी आपको देना पड़ेंगे. तो प्ली बार्गेन, मैंने 3 साल में ये नहीं देखा कि अगर किसी का एहतसाब अदालत में
दस करोड़ का रेफरेंस फाइल हुआ तो दो करोड़ लेके नैब केस बंद कर दे. नो, स्टैट्यूट सेज व्हाट एवर द प्ली बार्गेन इज इट शुड बी एन अमाउंट विच शुड बी एन अमाउंट ऑफ द अकाउंटेबिलिटी रेफरेंस. चेयरमैन नैब जरूर देखेगा उसको कि हाँ ये 10 करोड़ वापस करना चाहता है. He'll move an application of the accused to the accountability court के जनाब ये अपना guilt admit करता है, इस पे हमने आपके सामने 10 करोड़ का reference डाला है, ये 10 करोड़ वापस देना चाहता है. Sorry. Then accountability court NAB के prosecutor को, concerned investigating team को और accused को बुलाता है, उनके बयान होते हैं, वो record देखता है कि whether 10 करोड़ का ही reference file हुआ है और ये 10 करोड़ ही दे रहा है. उसके बाद वो उसकी प्ली बार्गेन एक्सेप्ट करता है. ये हो नहीं सकता कि अदालत में आप एक केस करें और आप 10 करोड़ का केस करके 5 करोड़ लेके केस बंद कर दें. इट इज नॉट द बैंकिंग कोर्ट जिसमें आप बैंक और जो क्या कहते हैं कस्टमर जो है वो अगर उसकी प्रिंसिपल दे दे उस पर उनका सेटलमेंट एग्रीमेंट आता है वो पार्ट ऑफ डिक्री का हिस्सा बन जाता है कि जी आप दे दें जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशन है. इट इज नॉट लाइक दिस. अकाउंटेबिलिटी कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट है और जो आपके खिलाफ वहां पे एक ऑफेंस लगा है. और सबसे मजे की बात यह है वो कहते हैं जी छोड़ दिया बेल दे दी. नो, जब प्ली बार्गेन होती है तो उसके बाद आप अपनी नौकरी से भी जाते हैं. नंबर वन, 10 साल तक उसके बाद आप कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते. और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि 10 साल तक आप किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्जा भी नहीं ले सकते. मुझे एक बात बताओ, मैं मेरे बात का जवाब दो. मैं भी वकील हूँ, आप भी वकील हैं. पहले स्टैट्यूटरी ग्राउंड पे बेल्स नहीं होती थी नैब में, अब हो जाती है. ठीक है ना? रीजन क्या है कि हम वकील बड़े सियाने हैं. एक अक्यूज्ड है, ठीक है, दो अक्यूज्ड है, फार ठीक है. अब जिस रेफरेंस में 6 या 7 अक्यूज्ड हैं, 30-35 गवाह हैं, तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि एक अक्यूज के खिलाफ कितने क्रॉस होंगे, कितना टाइम आपको लगेगा. एवरेज जो मैंने मेरे इन 3 सालों में हमने बड़ा एक्सपीडिशियसली काम किया, बड़ा मार धाड़ की, एक कंक्लूजन ऑफ ट्रायल जो बनता है वो 3 साल बनता है. शुरू से लेके अब तक अगर देखें 3 साल 2 माह या 3 माह बनते हैं. तो इन केस 7 साल अंदर है बंदा, 7 साल के ट्रायल के बाद कोर्ट उसको इनोसेंट डिक्लेयर कर दे, फिर एक शख्स कन्फेस करता है, अदालत में बयान देता है कि हाँ जी मैंने 10 करोड़ हराम खाया, ये 10 करोड़ आपने इसके ऊपर मैंने 20 लाख 25 लाख बनाए, ये भी लें, और उसके बाद वो नौकरी से भी चला जाता है, उसको नौकरी भी नहीं मिल सकती और वो बैंक से कर्जा भी नहीं ले सकता और वो एक कन्विक्टेड पर्सनैलिटी है मुआशरे में, तो क्या सरकार को जो 10.25 करोड़ या 10.5 करोड़ मिल रहे हैं वो बेहतर है कि आप उसका चलाते रहें? और बाय द एंड ऑफ डे, इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूं, बहुत मिस रिपोर्टिंग हुई इन रिस्पेक्ट ऑफ वन केस बलूचिस्तान का, जिसमें कहा जी इतने अरब रुपए जनाब रिकवर हुए. आई एम आई विटनेस टू दैट केस. प्रोसिक्यूशन का कोई रोल नहीं होता, लेकिन मेरा रोल क्या था, जब सुप्रीम कोर्ट में खालिद लांगो की बेल आई, मुश्ताक रईसानी की बेल आई, मुश्ताक रईसानी के घर से 67 करोड़ हार्ड कैश की सूरत में निकले थे. जब वो पैसे निकले मशीनें गर्म हो गई, ठीक है, एक नहीं दो दो तीन तीन मैजिस्ट्रेट्स वर प्रेजेंट देयर. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटरोगेशन ही सेड जी मेरी 11 कोठियां हैं. कितनी? 11 कोठियां हैं. उसने कहा जी फलां तंदूर में मेरे इतने लाख पड़े हैं, फलां जगह पे टैंकी में मेरे इतने लाख पड़े हैं. पैसे उसने
सो द अमाउंट गोज टू 3.25 अरब रुपए पे हमने रिकवर किया, बशमूल उसकी दो तीन गाड़ियां थी जिसमें 500S नई 2016 मॉडल की मर्सिडीज भी थी, 2 करोड़ की गाड़ी। पार्शियली प्री बार्गेन एक्सेप्ट कर लिए कोर्ट ने और वो सारी प्रॉपर्टी कोर्ट ने कहा ट्रांसफर कर दें इन द नेम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान। प्रोसेस वॉज देयर, पैसे हमने जो रिकवर किए वो हमारे पास थे, प्रॉपर्टीज उनके नाम, गाड़ियां उनके नाम ट्रांसफर हो गई। बाय दैट टाइम सुप्रीम कोर्ट में पहुंच के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी का इजहार किया, जी आपने सिर्फ 3.25 अरब रुपया रिकवर किया, इसके पास तो ज्यादा होगा। उसकी बेल भी खारिज की और कहा जी आप इसका रेफरेंस फाइल करके ट्रायल करें। और मजे की बात यह है कि उस शख्स के खिलाफ कोई बंदा विटनेस करने के लिए आज अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में नहीं आ रहा, क्योंकि वो वहां का सरदार है और बलूचिस्तान और केपीके का कल्चर आपको पता है। सो अब मुझे ये बता दीजिए कि जब उसने 3.25 अरब की प्री बार्गेन की, 3.25 अरब रिकवर हुआ तो क्या, और केस कितना था 2.7, 2.7 अरब का था जो उसने एम्बेजल किया था और हमें उससे कितना ज्यादा मिल रहा था, तो पैसे नैब को नहीं मिल रहे थे, वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट को मिल रहे थे। ये वो पैसे थे जो कि उसने बीइंग फाइनेंस मिनिस्टर मुख्तलिफ डेवलपमेंट स्कीम्स में से खाए थे जाली स्कीम्स बनाकर। सो मंशा इस कानून का क्या था कि जो लूटेड अमाउंट है आप वापस लाएं। वो बंदा आज भी वो अंदर है, आज से 8 साल बाद 5 साल बाद ट्रायल कंक्लूड होता है और उसके अगेंस्ट कोई डिपोज नहीं करता। आपके जितने विटनेस हैं रिजाइल कर जाते हैं, आप एक को हॉस्टाइल डिक्लेयर करेंगे, 2 को करेंगे, 3 को करेंगे, बाय द एंड ऑफ डे जज क्या कहेगा, वह तुसी की मजाक शुरू कीता। आपकी इकोनॉमी मुल्की का हालत आपके सामने है। सो जब ये कानून बनाया गया तो जिन लोगों ने इसको लेजिस्लेट किया था उनकी बुद्धि में कुछ था लेजिस्लेशन करने के लिए, लेकिन द इशू वॉज दिस के हम लोगों ने मीडिया पे बैठ के अखबारों में इतना उछाला इन चीजों के कि वो गलत हो गई। लेकिन क्या बीइंग अ लॉयर ये हो सकता है कि एक 10 करोड़ का या 1 करोड़ का रेफरेंस हो और आप 50 लाख में प्ली बार्गेन करके बाहर आ जाएं, और बाहर नैब ने नहीं करना, बाहर एहतसाब अदालत के ऑर्डर से आना है और एहतसाब अदालत ने बकायदा सुन के फैसला देना है। तो क्या कोई अदालत है इस मुल्क में या कहीं भी कि आपसे मैंने 10 रुपए लेने हैं, कहीं या तू 10 रुपए लेके बाकी 5 रुपए लेके छोड़ दे? नो, क्योंकि कानून कानून से चलता है। सर, आपने जिक्र किया था बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, बेल का क्या सिलसिला है? बीच में क्लाइंट आया, क्लाइंट को कॉल टू इंफॉर्मेशन आया, नोटिस भेजा और उसमें लिखा भी हुआ कि जी आप अक्यूज हैं, और उसको ये भी पता कि एलडीए वालों को आपने बिठा लिया था, तो आप हाउ व्हाट आर वी सपोज्ड टू, क्या बेल तो मिल जाती होगी आराम से इसके? बिल्कुल प्री अरेस्ट बेल मिलती है, मिलती है, मिलती है। नहीं ऐसे जाना पड़ेगा हाई कोर्ट बेल नहीं मिलेगी आपको। असवन यार वरी केस में साफ कहा है कि इट्स अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, आपको हमेशा आर्टिकल 199 में जाना पड़ेगा कि वे देयर इज नो रेमेडी अवेलेबल, देन रेमेडी अंडर आर्टिकल 199 है। सो आप आर्टिकल 199 में जाते हैं और आपको प्री अरेस्ट भी मिलती है, पोस्ट अरेस्ट बेल भी मिलती है। डिविजन बेंच हाई कोर्ट जी, लास्ट टाइम जो इस्लामाबाद में हुआ था, कैप्टन सफदर को पहले अरेस्ट किया और फिर उसको कसाब कोर्ट में बेल आउट किया। हाँ, ये बड़ा मजे का केस है, आई वाज देयर। मेरा केस है, मेरा वो साइट हो गया, कराची का है, 2018 पहले महीने का, ये मुझे अब इसका मैं आपको बताऊंगा। दैट इज ऑन सेक्शन 91 नॉन बेलेबल वॉरंट्स। सवाल क्या है, सवाल समझिए, इट्स वेरी डेलिकेट। मेरे से पलपोटो साहब ने, जो हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस करीम खान आगा, और पलपोटो साहब की स्पेशल डीमी थी शर्जील मेमन साहब की, इकबाल अच क्या, बहुत सारे और बंदे थे जिनकी बेल खारिज हुई थी और उन्होंने एक्चुअली 91 में डिस्चार्ज के लिए कहा था।
نان بیلیبل وارنٹس کس نے ایشو کیے تھے؟ احتساب عدالت نے. کس نے؟ احتساب عدالت نے. احتساب عدالت کے پاس اٹینڈنس پروکیور کرنے کے لیے انڈر دی سی آر پی سی ایک قانون دیا گیا ہے, لیکن سٹیچوٹ میں اس کے پاس یہ اختیار نہیں کہ آپ کسی کو بیل الاؤ کرتے ہیں. اگر آپ کے نان بیلیبل وارنٹس ایگزیکیوٹ ہو گئے ہیں تو دین دی اونلی فورم از ہائی کورٹ, دی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن انڈر آرٹیکل 199, کہ آپ پھر ہائی کورٹ جائیں اور وہاں سے آپ بیل کروائیں. احتساب عدالت کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ وہ آپ کو بیل پہ لے لے. ان رسپیکٹ آف اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں سیکشن 91 میں فرق کر دیں تو دس از نان بیلیبل ریفرنس. جو ریفرنس اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کے تحت فائل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نان بیلیبل ریفرنس. تو ویئر دیر از اے نان بیلیبل ریفرنس, تو کیا پھر نان بیلیبل ریفرنس میں آپ بیل لے سکتے ہیں یا ڈسچارج کر سکتے ہیں؟ دا کوشچن از نو. دیٹ از وٹ جو کراچی ہائی کورٹ نے ہولڈ کیا ہے. دی ریمیڈیز اویلیبل آرٹیکل 199, کہ آپ اس میں جا کے کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں کنسرنڈ ہائی کورٹ سے بیل لیں. سر یہ سول سوسائٹی کے خلاف ریلیٹو کو پاس چلتا ہے جی کہ جی میرے علاوہ اور بھی 150 آدمیوں کو یہ پیسے کھا گئی اپنی سوسائٹی, اب اس سول سوٹ کا کیا ہوگا؟ وہ اسے مرج کرے گا یا کس طرح آگے کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو بتا دوں, سپریم کورٹ سیٹلڈ لا, ہائی کورٹ میں بھی لا سیٹلڈ ہے کہ دیر از نو بار آن کریمنل انویسٹیگیشن. سول اینڈ کریمنل پروسیڈنگس دونوں ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں. قانون کی منشا سزا دینا ہے, کریمنل لا کا, ٹھیک ہے؟ کیا منشا ہے؟ سزا دینا. دس از دا میکنزم وچ از گیون انڈر دی آرڈیننس ٹو لیب کہ آپ پری بارگن یا والنٹری ریٹرن کے تحت پیسے لے لیں اور جن کا حق ہے ان کو دے دیں. فار ایگزامپل, ایک ویلفل ڈیفالٹ کا بینک کا کیس آتا ہے تو بینک کہتا ہے کہ جناب اس نے 10 کروڑ روپیہ ہمارا کھایا. جس کسٹمر نے وہ 10 کروڑ لیے ہیں, جب اس کو آپ اریسٹ کرتے ہیں وہ کہتا ہے جناب میں 10 کروڑ دیتا ہوں. وہ 10 کروڑ روپے آپ لیتے ہیں اور اس بینک کو آپ دے دیتے ہیں. سیکشن 25C میں بڑا کلیئر لکھا ہے کہ ود ان 30 ڈیز جو نیب پیسے ریکور کرے گی وہ کنسرن گورنمنٹ یا انسٹیٹیوشن کو دے دے گی. اسی طرح جو پبلک ایٹ لارج کے کیسز ہیں جن میں سوسائٹیز ہیں, جو فار ایگزامپل آپ کی سوسائٹی کے 100 پلاٹ ہیں, آپ نے 500 بندوں سے پیسے لے لیے, 100 کو ڈلیور ہو گئے, 400 بھی آپ کھا گئے, تو اس کے اگینسٹ لوگ دعوے بھی کرتے ہیں, سول سوٹ بھی کرتے ہیں, وہ اپنی جگہ چلتے ہیں, لیکن جو کرمنل پروسیڈنگس ہیں وہ اپنی جگہ چلتی ہیں. ان کیس کرمنل پروسیڈنگس کے دوران جو آپ کو جو آپ کا ٹرائل اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں چل رہا ہے, اف سم بڑی فیلز لائک اٹ کہ یار ہاں میں نے یہ کام غلط کیا ہے اور میں نے پلی بارگین کرنی ہے, میں نے پیسے دینے ہیں, تو ویل اینڈ گڈ. ان ادر کیس بائی دی اینڈ آف ڈے اس کو کنوکشن ہوگی, جرمانہ ہوگا ٹو دی ایکسٹینٹ آف جو اس نے کیا اور وہ اپنی سزا بھگتے گا. دوسری طرف جو آپ نے سول سوٹ پر ریکوری کیے ہیں وہ چلتے رہیں گے سائڈ بائی سائڈ, بیکاز دونوں کا جو کام ہے وہ فرق ہے. ایک آپ نے سوٹ کیا سول کیپیسٹی میں کہ جی اس نے میرے سے پیسے لیے, اس نے میرے زمین ہی دی یا زمین دے یا پیسے دے. دوسری طرف کرمنل پروسیڈنگس ہیں کہ اس نے پبلک ایٹ لارج کو ڈیفراڈ کیا اور اس کے خلاف پروسیڈنگس کرمنل ہوئی اور ایک کرمنل ریفرنس عدالت میں فائل کیا گیا. ساتھ میں ایک ریکوری کا میکنزم دیا گیا کہ اگر اف سم بڑی کمز والنٹریلی تو والنٹری ریٹرن ڈیورنگ دی انکوائری اسٹیج, اور اگر انویسٹیگیشن یا ریفرنس فائل ہو گیا تو دین اٹ از اے پلی بارگین کہ وہ کہتا ہے کہ جی میں دے دیتا ہوں.
सो ये बताइए सर, इसी क्वेश्चन को फर्दर ले जाते हुए, सिविल सूट में हमने डिग्री हासिल कर ली लेकिन उसकी प्रॉपर्टी उसकी प्रॉपर्टी तो सारी की सारी गवर्नमेंट ने जब्त कर ली है या आपने लेके किसी डिपार्टमेंट को बीच में दे दी हुई है, तो हमारा वहाँ पे उसके अगेंस्ट बीच में क्लेम जाएगा कि इस बंदे के पास तो कुछ बचा ही नहीं पीछे? नैब ये कहता है कि सिविल सूट चल रहा है लिहाजा आप इधर नहीं आके कंप्लेंट फाइल कर सकते। ये कभी भी नहीं, ये कभी भी नहीं किया, नहीं मैंने पढ़ा भी है सर। नहीं नहीं ये नहीं है, ये कहीं ऐसा नहीं है। ठीक है क्या सर, ऐसा है कि 10 करोड़ का कितना फैसला दायर हुआ है, मेरी रिकवरी 1 करोड़ की है, 10 करोड़ मेरे उसी में ही शामिल है, तो क्या वो मुझे मिलेंगे? आप क्लेम जब जब आप क्लेम दाखिल करते हैं ना नैब में, तो जितने पैसे आप उसके खिलाफ वैक्यू सलाइड है जो 10 करोड़ है, उसमें मेरा भी 1 करोड़ शामिल है जिसकी मैंने रिकवरी की है, अगर वो रिकवर करती है नैब तो क्या वो मुझे 1 करोड़ देगी? इसका एक प्रोसीजर है, जब नैब पब्लिक एट लार्ज के मैटर्स को अंडरटेक करती है तो बकायदा अखबार में देती है कि क्लेमेंट्स आके अपना क्लेम जमा करवाएं, तो आपसे वो मुसद्दका नकल लेते हैं आपके कागजात की, शनाख्ती कार्ड की, और जब कुछ भी रिकवरी इफेक्टिव होती है तो प्रोराटा बेस पे तमाम मुतासरीन को पैसे दिए जाते हैं, जिसकी मिसाल 3 मिसालें मैं आपको देता हूँ। कोऑपरेटिव बैंक्स एक स्कैंडल हुआ था, नेशनल कोऑपरेटिव, मर्केंटाइल सर्विसेज कोऑपरेटिव, तो क्या हुआ कि डिफरेंट फेजेस में लोगों को पैसे मिले, उनकी ज़मीनें नैब ने पकड़ी, वो ज़मीनें बिकी और उसके बाद लोगों को पैसे मिले, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने अपने सिविल सूट भी फाइल किए हुए थे कि जी हमें ये पैसे दे दिए, द टाइम अब दूसरी पार्टी थी जिनसे रिकवरी इफेक्ट हुई, तो फिर सिविल सूट्स में उन्होंने कहा कि जी इन्होंने क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल बिफोर नैब इन्होंने अपने पैसे रिकवर कर ली हैं, तो ये सूट मेंटेनेबल नहीं रहा। लेकिन इन केस इफ यू आर नॉट अ कंप्लेनेंट बिफोर नैब और आपका क्लेम नैब के पास नहीं है, देन द रेमेडी विच यू हैव ऑप्टेड ऑलरेडी इन शेप ऑफ अ सिविल सूट वो वैलिड रहेगी और वो चलेगी, उस पर कोई बार नहीं है। जी इसमें मौका भी होता है कि नैब जो इतने अमाउंट पे जो है ना वो इंक्वायरी करेगी, फॉर एग्जांपल छोटे सिटी में देखा है कि लोग 100 रुपए की टिकटें बेचते हैं, 500 बंदों से लेडी पूरा अंदाजी के चक्कर में पैसे खा गए, 20-25-30 लाख खाए और भाग गए। तीन इश्यूज पब्लिक एट लार्ज है, क्या उसमें अमाउंट भी मेंशन है कि जितना? तीन लीगल इश्यूज, नंबर वन इज देर इज नो अमाउंट डिटरमिंड इन द स्टैट्यूट, नंबर वन कहीं नहीं है। नंबर टू देर इज अ जजमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट के चाहे वो थोड़े पैसों का मैटर है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप कॉग्निजेंस ले सकते हैं। नंबर तीन नैब की अपनी SOP है कि 10 करोड़ से छोटा केस नैब नहीं लेगी, लेकिन जहां पे चेयरमैन नैब ये समझते हैं कि ये नैब को केस लेना चाहिए तो नैब वो केस लेगी। फॉर एग्जाम्पल ये SOP मेरे हाथ की बनी हुई है, ये हमारे अफसरान बड़े सियाने हैं पाकिस्तान। होता क्या है कि अ पुलिस ऑफिसर बेसिकली PSP है, ठीक है, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, इट्स अ फेडरल गवर्नमेंट, इट्स अ फेडरल सर्विस, चले हम पुलिस से छोड़ के किसी और सर्विस में आ जाते हैं, किसी भी फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल डिपार्टमेंट का एक अफसर जो है ग्रेड 19 का या ग्रेड 18 का, वो आ जाता है किधर, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में ऑन डेपुटेशन, ठीक है। अब वो कोई एम्बेजलमेंट करता है, कोई हरामखोरी करता है, तो एंटी करप्शन उसके खिलाफ जब एक्शन लेगी तो कहेगा जी कानून में लिखा है मैं तो फेडरल गवर्नमेंट का मुलाजिम हूं, मेरे खिलाफ आप कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। सो क्या होगा, वो प्रोसीडिंग्स एंटी करप्शन ड्रॉप कर देती है, FIA के पास जाते हैं, जब वो FIA के पास जाते हैं तो FIA को वो कहते हैं कि जनाब मैं तो सरकार के सिंध सरकार या पंजाब सरकार का मुलाजिम हूँ या KP के गवर्नमेंट में हूँ, मैं तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट हूँ, आप मुझे कैसे देख सकते हैं। सो लीगली ही इज राइट, बट नैब के पास ये कैद नहीं है, वेदर यू आर अ सिविल सर्वेंट ऑफ वट कैपेसिटी ऑफ वट नेचर, कि आप फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो या किसी स्टैट्यूटरी बॉडी के एम्प्लॉई हो या आप एक आम आदमी हो, सरकारी मुलाजिम नहीं हो, नहीं, आर्मी एंड जुडिशरी इन दोनों का अपना मैकेनिज्म है, जो कि बकायदा डिपार्टमेंट नहीं, डिपार्टमेंट नहीं,
جو کہ باقاعدہ کہاں دیا گیا, آپ کے آئین میں دیا گیا. جو ایک میکنزم سینئر آپ کی سپیریئر جوڈیشری یا پاکستان آرم فورسز کے لیے دیا گیا ہے وہ آئین میں دے دیا گیا, اور نیب کے قانون میں باقاعدہ لکھا گیا ہے. لیکن ان کیس اف دیر از این آفیسر آف پاکستان آرمی ہو از آن ڈیپوٹیشن ود دا سول گورنمنٹ, لائک این ایل سی کا ایک اسکیم تھا جس میں دو تین جنرلز اور بریگیڈیئرز اور کرنلز تھے, ان کے خلاف جب ہم نے انیشیٹ کیا تو دین قانون کے تحت سی ایف پی سی کیا کہتی ہے 539 ہے کہ کوئی بھی کمانڈنگ آفیسر جب بھی کسی پولیس والے اپنا آرمی والے کا کیس ہوگا تو کمانڈنگ آفیسر وہ کیس اپنے پاس لے جا سکتا ہے اور قانون کے مطابق وہ جائے گا, دا سیم ود دی نیب آفینسز. تو وہ پھر جی ایچ کیو نے لے کے خود ان کا ٹرائل کر کے تو ان سب کو سزا دی تھی, ان کے ڈیکوز چھین لیے, ان کی پراپرٹیز جو فوج نے دی تھی وہ واپس لے لی, ان کی پینشن ختم کر دی, اور ان کے جو کیا کہتے ہیں رینکس تھے ان سے ان کو فارغ کر دیا. سو دس از واٹ دا نیب لا سیز. بالکل ہو سکتا ہے, ہی از اے ریٹائرڈ پرسن. سر یہ بھی ذرا پلیز تھوڑا سا ٹچ کر لیجیے کہ انکوائری کا کال ٹو اٹینشن نوٹس آتا ہے ہمارے کلائنٹ کو, تو کہتا ہے کہ یار میں تو بیچ میں میرے پاس بڑی پراپرٹی ہے, وہ اپنے کوئی پراپرٹی اپنے ڈرائیور کو گفٹ کر دیتا ہے, کوئی فلاں کو گفٹ کر دیتا ہے, تو اس کو کوئی ریورٹ کرنے کا کوئی طریقہ وغیرہ ہے, کوئی کیا سلسلہ ہوتا ہے اگر یہ انکوائری کے بعد. بینامی پراپرٹی کا کنسیپٹ از نون ٹو ایوری ون, انکوائری پراپرٹی کا اگر ٹھیک ہے, اگر انکوائری آتھرائزیشن کے بعد اگر کوئی پراپرٹی ٹرانسفر کرتا ہے تو لا, وٹ لا سیز سیکشن 23, دا ٹائم انکوائری آتھورائز ہوتی ہے تو آپ اپنی کوئی پراپرٹی یا آپ کی جو بینامی پراپرٹی بیوی بچوں کے یا کسی ملازم کے نام ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتی, انلیس اس کے لیے یو ہیو ٹو موو این اپلیکیشن ٹو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ, اور کورٹ اگر آپ کو الاؤ کرتی ہے تو وہ آپ پراپرٹی ایلینیٹ کر سکتے ہیں. ان ادر کیس اف یو ایلینیٹ اینی پراپرٹی ڈیورنگ دی کورس آف انکوائری اور انویسٹیگیشن تو آپ کو 3 سال تک کی سزا قانون کے مطابق ہو سکتی ہے. سیکشن 23 از ویری کلیئر, اور اس کے مطابق آفٹر آتھرائزیشن آف انکوائری آپ اپنی پراپرٹی کو جو آپ کے نام ہے, اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی بیوی بچوں کے نام یا آپ کے جو ملازم ہیں جو کہ ایک پراپرٹی اس لیول کی ہولڈ نہیں کر سکتے تو اس پہ سیلف ایگزیکیوٹری سیکشن 23 کا ریسٹرینٹ ہوگا. دا ورڈ آئی ایم یوزنگ سیلف ایگزیکیوٹری, وچ مینس جو ہی آپ کے خلاف انکوائری آتھرائز ہوگی سیکشن 23 انووک ہو جائے گا, چاہے آپ کو پتہ ہو نہ پتہ ہو, آپ نے آگے جس کو بیچی ہے وہ بونا فائیڈ پرچیزر کا آگے سے آرگیومنٹ لے کے آتا ہے, اس پہ بھی ججمنٹس موجود ہیں کہ سیکشن 23 کا بار ایبسولوٹ ہے, جب انیشل ٹرانزیکشن ہی مکمل طور پہ وائڈ تھی تو بونا فائیڈ پرچیزر ود آؤٹ نوٹس اور یہ وہ معاملات نہیں آئیں گے. یہ ہے پروونشل احتساب کمیشن کے بارے میں بڑی کلیئر فل بینچ کی ججمنٹ ہے پشاور ہائی کورٹ کی 2016 کی, یہ ضرور آپ دیکھ لیجئے گا, پی ایل ڈی 2016 پشاور, پیج مجھے یاد نہیں ہے, اس میں انہوں نے بائیفرکیٹ کر دیا کہ جو پروونشل احتساب کمیشن ہے اس کا کیا مینڈیٹ ہے, اور انہوں نے یہ بھی مینڈیٹ دے دیا کہ اگر کوئی ایسا میٹر ہے جیسے میں نے عرض آلریڈی کی, میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بندہ یا کوئی بھی ایسا ایشو آ جاتا ہے کہ جس میں آپ پروونشل احتساب کمیشن کسی پرائیویٹ بندے کو نہیں پکڑ سکتا, ایک بندہ جو مداربہ کے نام پہ کروڑوں کھا جاتا ہے, ایک بندہ لاٹری کے نام پہ پیسے لے جاتا ہے پبلک ایٹ لارج, کیونکہ اس میں کوئی سرکاری ملازم نہیں ہے. سو جو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہیں پروونس کی, یہ جو ایف آئی اے ہے, آپ ایز یو نو کہ جب تک ان کے ساتھ کوئی پبلک آفس ہولڈر نہیں ہوگا وہ ایکشن نہیں لیں گی,
क्योंकि वो केस बनाएंगी पब्लिक ऑफिस होल्डर और उसके साथ जो नथी होगा फिर उसको प्राइवेट पार्टी को भी करेंगी कि एड और अबेटमेंट वट एवर दी केस इज, जबकि नैब के लिए ऐसे नहीं है। मेरे दोस्त ने वो ट्रायल के बारे में प्लीज पूछ रहे थे, सर ये तो हो गया इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन रेफरेंस हो गया, रेफरेंस दाखिल कर दिया गया, तो क्या ये रेफरेंस के बगैर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट कोई सुओ मोटो ले सकती है किसी चीज का? अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के पास कोई इख्तियार नहीं, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के पास किसी केस का ट्रायल करने का एक ही इख्तियार है, इफ द रेफरेंस इज filed by chairman NAB or any officer authorized by the chairman NAB to file a reference before the accountability court. Accountability court के पास कोई suo motu power नहीं है। Bail दे सकते हैं? कौन? Accountability court छोड़ के high court भी under this ordinance bail नहीं दे सकती। Accountability court के पास bail का कोई इख्तियार नहीं। High court article 199 में 497, 98, 96 नहीं, ना ही 426 वहां पे लिखा हुआ कानून में उसको ट्रैक नहीं करेगा। ये तो बियॉन्ड एसेट्स बियॉन्ड मींस वाले की देखें, एसेट बियॉन्ड मींस का केस किसने साबित करना कि ये प्रॉपर्टी मेरी है या नहीं है? एक बड़ा सादा सा सवाल है। नैब जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो ये साबित कर देती है कि ये जो प्रॉपर्टी आपने बनाई है ये हमारे अंदाजे नहीं, हमारे मुताबिक, हमारी तफ्तीश के मुताबिक आपने ये जो प्रॉपर्टी बनाई है, ये आपके नाउन सोर्सेज से बियॉन्ड है। तो देन दिस इज द अक्यूज हु हैज टू प्रूव इन द कोर्ट ऑफ लॉ कि अगर ये प्रॉपर्टी है तो दा बाबा दादा भाई कहाँ से उसको कटी हुई है, ये उसने साबित करना है। ये साबित करे मेरी है नहीं, या कह दे कि जनाब मेरे उत्ते मुद्दा बात है, मेरी तो प्रॉपर्टी नहीं, ले लो। मेरे पास बहुत पुरानी बात है, व्हेन आई वाज प्रोसिक्यूटर इन नैब तो एक केस आया, तो उन्होंने कहा कि जनाब ये प्रॉपर्टी जो मुझे मिली है मेरे सुसर ने दी थी इन्वेस्टिगेशन में, तो वो जब इन्वेस्टिगेशन के लिए उनके सुसर को तलब किया तो उनके सुसर की डेथ हो गई, तो सुसर उनके इमाम मस्जिद थे और खुद वो बड़े सीनियर अफसर थे, ब्यूरोक्रेट थे, तो सुसर की बड़ी कस्म कुर्सी में उनकी वो डेथ हुई। ऑब्वियसली एक इमाम मस्जिद कोई आपको डिफेंस में एक कनाल की कोठी या दो तीन पेट्रोल पंप तो नहीं बना के दे सकता, बट ही क्लेम्ड कि जी मुझे तो मेरे ससुर ने शादी पे पेट्रोल पंप दिया था जी, उससे तरक्की करते करते दो पेट्रोल पंप बन गए, जो भी उसका स्टैंड था। लेकिन बाय द एंड ऑफ डे बिकॉज क्योंकि देर वॉज नो एविडेंस नैब के पास, क्योंकि आपने ससुर को बुलाया, सुसर साहब फौत हो चुके थे, तो देर वॉज नो इंडिपेंडेंट, तो आप ये भी कहते हैं हाँ जी मुझे तो हॉट कैश दिया था उन्होंने उस वक्त में। एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन है मुल्तान से, उनका रेफरेंस अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में था, तो जब 342 की स्टेटमेंट हुई उसके बाद डिफेंस विटनेस लाए तो उन्होंने कोई 1000 के करीब एफिडेविट जमा करा दिया कि जी ये तो नजराने मिले थे आपने जो 1.5 करोड़ का मेरा बनाया है जी। उसने कहा जी मैंने 5000 रुपया दिता सी पीर साहब ने, किसी ने कहा 50000 दिया था, उस तरह करते उन्होंने को 1000-1500 एफिडेविट दे दिया। सो आप क्या करेंगे? हम वकील बड़ी अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं लोगों को। देखें प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट 1992 दैट इज मेंट फॉर व्हाट? That is meant for only foreign tax purposes. आपकी foreign remedies होती थी या FEBCs होते थे, लेकिन that is not meant to cover what the corruption you did. Corruption and tax. देखिए आपको tax amnesty मिली है, आपको ये amnesty नहीं मिली कि जनाब आप एक सरकारी मुलाजम हैं और आपको एक fund दिया गया था कि जो आप public के लिए खर्च करें और आप जो है वो खड़का जाते हैं अपनी जात के लिए।
क्या चीज़ टैक्स देने के बाद नहीं टैक्स देखें जो इल गॉटन मनी से प्रॉपर्टी बनी दैट इज अ सेपरेट इश्यू टैक्स अवेजन इज अ सेपरेट इश्यू यहां पे ये बात नहीं अगर आप किसी पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल मैं एक बिजनेस टाइकन हूं और मैं 5000 एक महीने एक साल का टैक्स देता हूं और अरबों रुपए की मेरी जायदाद है और मैंने टैक्स एमनेस्टी ली है लेकिन चार्जेस आप पे और हैं चार्जेस आप पे टैक्स अवेजन के नहीं है चार्जेस आप पे किकबैक्स के हैं सो आप उन किकबैक्स को और टैक्स अवेजन को इकट्ठा मत कीजिए उसको सेपरेट रखिए 1992 का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट है ना वो नैब की प्रोसीडिंग्स को बार नहीं करता सेक्शन 26 के अंडर पार्डन का मतलब है सुल्तानी गवाह एक्यूज्ड वन ऑफ द एक्यूज्ड आके चेयरमैन के सामने कंडीशनल और अनकंडीशनल डिपोज करता है कि जी आई वॉज एकम्प्लिस इन दैट एक्ट ऑफ करप्शन और मेरे सामने ये काम इसने किया और उस पे चेयरमैन नैब उसको कंडीशनल और अनकंडीशनल पार्डन देगा और उसके बाद उसका मैजिस्ट्रेट के पास 164 का बयान कराएगा और पूरा प्रोसीजर आप होगा कि जिसका जो होता है जिसके अगेंस्ट वो डिपोज करता है उसको राइट ऑफ क्रॉस भी दिया जाता है देखें आप देखें नंबर वन के एट द कंडीशन ये लगाई जा सकती है कि इफ एट द टाइम ऑफ विटनेस अगर आप रिजाइल करते हैं तो विल पुट यू बैक एज एक्यूज्ड ठीक है और ये बकायदा जब आप सेक्शन 26 में पढ़ेंगे तो 26 बी में ये सी में ये लिखा हुआ है कि अगर आप अपने दिए हुए टेंडर ऑफ पार्डन जो आप अप्रूवर बनते हैं आपने बयान दिया उससे रिजाइल करते हैं तो वो बयान आपके अगेंस्ट भी ट्रायल में इस्तेमाल हो सकता है हाय बड़ा मुश्किल सवाल कर देता सबसे आसान चीज अगर आप पढ़ें तो प्रीएम्बल के पास जो पहली चीज लिखी हुई है उसमें लिखा है कि ये 1 जनवरी 1985 से वैलिडेट होगा यानी कि अगर कोई ऑफेंस 31/12/1984 को हुआ है तो वो नैब की ज्यूरिस्डिक्शन से बाहर है नैब उसका कॉग्निजेंस नहीं ले सकती लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि अगर एक जुर्म हुआ मैंने आपका सर भाड़ दिया या नाक तोड़ दिया और उसके बाद भाग गया एफआईआर कट गई 20 साल वापस आया और क्या कोई ऐसा कानून बन सकता है कि आप ये कहें कि जनाब नहीं ये ऑफेंस जो है ये टाइम बार्ड हो गया ऑफेंस टाइम बार्ड नहीं होता तो मेरी इस इश्यू के ऊपर जो है ना मेरी रिजर्वेशन रही है और है क्योंकि ऑफेंस मीन्स ऑफेंस 1947 में पाकिस्तान बना उससे लेके जो ऑफेंस है वो है तो आपने उसको कैप कर दिया कि यार ये 1985 से पीछे आप नहीं जा सकते ये एक मेरी रिजर्वेशन है दूसरी मेरी रिजर्वेशन है जो कहते हैं 30 दिन में ट्रायल कंक्लूड करें कंक्लूजन ऑफ ट्रायल द वर्ड शुड बी एक्सपेडिशियसली और मैंने लिख के भी मिनिस्ट्री में भेजा था कि इसको आप अमेंड करवाएं ये वर्ड एक्सपेडिशियसली होना चाहिए तीसरी जो बात मैं आपको करना चाहता था जब हम प्ली बार्गेन और वॉलंटरी रिटर्न की बात हो रही थी सुप्रीम कोर्ट ने अटर्नी जनरल को बुला के कहा था कि 25A के बारे में आप सोचें क्या करना है उस पे जायद हामिद साहब उस वक्त लॉ मिनिस्टर थे उन्होंने बकायदा 25A को उन्होंने कहा कि हम रीरीड या रीराइट कर देते हैं उस पे इन्होंने अमेंडमेंट की जो कि सेनेट ने उठा के परे मारी और उन्होंने कहा जी जो कानून है वो वैसा ही रहेगा 25A वैसा ही रहेगा मुझसे जब कोर्ट ने पूछा था तो मैंने एक सिंपल बात की थी मैंने कहा था कि 25A
वाई 25A इज देयर, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज बूढ़े माँ बाप मुलाजमीन और माइनर बच्चों के नाम एक्यूज रखते हैं। तो क्या एक 16 साल का बेटा या बेटी जो स्टूडेंट हो, जिसको पता नहीं कि उसके नाम का 1 करोड़ रुपए का अकाउंट है जिसको बाप ऑपरेट कर रहा है, तो क्या आप उसको 25B में प्ली बार्गेन करा के 10 साल के लिए हर मामले से बाहर करेंगे जबकि उसने जुर्म नहीं किया? फॉर दैट रीजन 25A को इंटैक्ट रहने दें और उसको रिफ्रेस कर लें, उसमें यह लिख दें कि इट शुड बी ऑन द सेम एनालॉजी ऑफ प्ली बार्गेन, कि अगर कोई ये करता है सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ अकाउंटेबिलिटी कोर्ट कर दें। एक बूढ़ा बाप है 80 साल का जो इमाम मस्जिद है, जिसने कभी हराम नहीं खाया, उसके नाम का बेटा घर खरीद लेता है, तो क्या आप 80 साल के उस बुजुर्ग को उस उम्र में उस ना करता गुनाह की सजा देंगे कि यार प्ली बार्गेन करो, हम तुम्हें कन्विक्ट करा रहे हैं? सो एक मुलाजिम जो बेचारा 5,000 की नौकरी करता है और उसके नाम का एक अकाउंट चल रहा है और उसको आप कहें कि प्ली बार्गेन करो वरना तुम अंदर रहोगे, तो ये तमाम मामलात को देख के जब ये ड्राफ्ट हुआ था कानून, तो ये चीजें मद्देनजर रख के 25A और 25B बनाई गई थी। दिस इज द क्वेश्चन विच आई वॉज बड़ी देर से सोच रहा था आया कि नहीं। अब ये आप सुन लें, नैब जो भी रिकवरी करता है वो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में इन टोटो जाता है। 1 करोड़ रुपया अगर आपने रिकवर किया है तो वो 1 करोड़ रुपया आप सरकार के खजाने में जमा करा देते हैं, ठीक है? नैब के किसी अफसर को कोई परसेंटेज नहीं मिलती। नैब के चेयरमैन प्रोसिक्यूटर जनरल या किसी अफसर को रिकवरी में से कोई शेयर नहीं मिलता। ये सब अखबारी और टीवी की खबरें हैं। अगर मिलता होता तो देर शुड बी अ लॉ इन द स्टैट्यूट कि जनाब इसमें लिखा है कि जनाब जरा प्रोसिक्यूटर केस जीतेगा उसको जो रिकवर अमाउंट होगा उसका 10% मिलेगा, या जो रिकवरी करेगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसको पैसे मिलेंगे, जो हारेगा वो अपनी जेब से देगा। 33A मे बी पेड बोनसेस और एक्स ग्रेशिया। ये जो बात कर रहा है, व्हाट इज बोनस? बोनस का ये है, ये एक्स ग्रेशिया क्या है कि जैसे आपको मैंने पहले अर्ज किया था कि 7 रीजन्स हैं, उनमें मुकाबला होता है कि हु इज द बेस्ट प्रोसिक्यूटर एंड हु रिमेन्स द बेस्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। आपने तफ्तीश अच्छी की, जब आपने तफ्तीश अच्छी की उस पर आपको कन्विक्शन लेके दी उस प्रोसिक्यूटर ने। सो फॉर एग्जाम्पल, एक रीजन में 10 केसेस एक प्रोसिक्यूटर कर रहा है और उसमें से एक साल में 7 केसेस उसने जीते हैं, तो वो बोनस या एक्स ग्रेसिया ये है कि वो फिर मेरा इख्तियार है कि आप उसको शील्ड भी दें, आप उसको 10,000-20,000 रुपया इनाम भी दें ताकि एप्रिसिएशन हो कि हाँ आपने काम किया है। इस चीज का ताल्लुक रिकवरी से नहीं है, इससे रिकवरी का कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक कंसेप्ट के जी इसके तहत आपको बोनस मिल गया तो वो उसमें से मिलेगा, नो। नैब का एक फंड है जिसका नाम है R&R फंड, जो कि रूल्स हैं। रूल्स नैब खुद नहीं बनाती, सरकार बनाती है। उसके तहत एक फंड नैब को मिलता है कि जो मर जाए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्विस एक एम्प्लॉय, तो उसको 2 लाख मिलेगा उसकी बेवा को। ग्रेड 4 या 7 तक जो मुलाजम है उनकी बच्चियों की शादी के लिए जहेज फंड है, वो उनको पैसे मिलते हैं। ये वो फंड नहीं है कि जो रिकवरी में आपको आते हैं। ये आपको जो सालाना बजट है, जैसे मैंने आपको कहा कि नैब के प्रोसिक्यूटर्स का कोई सेपरेट बजट नहीं है, उनका एक हमारा प्रोसिक्यूशन का बजट है जो नैब के साथ पैसे आते हैं। उसमें वो पैसे भी आते हैं जिसमें ट्रैवलिंग एक्सपेंस TA DA सारा कुछ शामिल है, और ये भी होता है कि बहुत सारा पैसा बाय द एंड ऑफ टाइम सरेंडर हो जाता है। हमारी किताबें खरीदने का पहले कोई रिवाज नहीं था। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने जाके कहा कि जी हमें लाइब्रेरी चाहिए, मैंने लाइब्रेरी बनानी है।
میں نے جا کے کہا کہ بھائی ہمارے آفیسز نہیں ہیں, سپریم کورٹ میں آفس نہیں تھا, میں نے سپریم کورٹ میں آفس لیا, آپ یہاں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں جائیں. یہ جو نیا جو بنا ہے اس میں باقاعدہ ہم نے ایک دفتر لیا ہے, پورا ایک عدالت لی ہے جہاں پہ ہمارا پروسیکیوشن کا سیٹ اپ ہے. میرے ہاتھ سے ہی اس کی کیا اس کو کہتے ہیں فیتا کٹا ہوا ہے. سو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو سرکار دیتی نہیں ہے, آپ کو خود ایزیوم کرنا پڑتا ہے, اپنے آپ کو ایگزرٹ کر کے یہ چیزیں لینی پڑتی ہیں. اسی طرح اپریسیشن کے لیے خالی اگر آپ کسی کو شیلڈ یا سرٹیفکیٹ دے دیں تو مزہ نہیں آتا, ٹھیک ہے نا. آپ اس کو ساتھ میں کچھ پیسے بھی دیں تاکہ وہ اپنے بال بچے ماں باپ کو لے جا کے وہ خوشی سیلیبریٹ بھی کر سکے. اور اگر ایک لڑکا اچھی پروسیکیوشن کرتا ہے اور سال میں اس کو اگر 10 کیس میں سے وہ 7 جیتا ہے تو میرے خیال میں کہ اس کو اپریسیشن کے طور پہ ایک تنخواہ یا ہاف سیلری ایز بونس ضرور دینی چاہیے. اور یہ پیسہ جو ہمیں بجٹ ملتا ہے اس میں سے ہوتا ہے, اس کا ریکوری سے کوئی تعلق نہیں. آپ کے ایک سیکنڈ سر, آپ یہ بھی امپورٹنٹ نکتہ سر, آپ کے یہ جو ریجنل ڈی جیز ہوتے ہیں یہ کیا وارنٹس ایشو کر سکتے ہیں یا ریفرنس جمع کر سکتے ہیں, اور کیا چیئرمین اپنی پاور ڈیلیگیٹ کر سکتا ہے؟ چیئرمین قانون میں جہاں جہاں پہ لکھا ہے وہ پاورز کو ڈیلیگیٹ کر سکتا ہے. چیئرمین نے جو ریجنل نیبس کے ڈائریکٹر جنرل ہیں گریڈ 21 کے وہ افسر ہوتے ہیں, ان کو اختیار دیا ہوا ہے کہ گریڈ 19 تک وہ اریسٹ کر سکتے ہیں اور کوئی بھی انویسٹیگیشن کوئی بھی انکوائری آتھرائز کر سکتے ہیں, اور گریڈ 19 تک وہ ریفرنس بھی احتساب عدالت میں فائل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سوری میرا جو ہے نا بول ڈسٹ الرجی ہے. اس کے علاوہ جو سب سے بڑا ایشو ہے, جب آپ سٹیچوٹ پڑھیں گے تو وہاں پہ چیئرمین کو 34A کے تحت اختیار ہے کہ اپنا کوئی بھی ایڈمنسٹریٹو کام جو ہے ان ایگزیکیوشن آف ڈیوٹی وہ اپنے کسی بھی افسر کو ڈیلیگیٹ کر سکتا ہے. 34A نکالیے گا کر لیے آگے. لیکن جہاں پہ اسپیسیفکلی لکھا ہوا ہے کہ جو کام چیئرمین نیب خود کرے گا وہ ڈی جی نہیں کر سکتا, جہاں پہ لکھا ہے کہ چیئر فار ایگزامپل پلی بارگین, وہاں پہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا اگر چیئرمین نیب اور ہز آفیسر آتھرائزڈ بائی ہم ٹو انٹر انٹو پلی بارگین, دیٹ از پیورلی دی ڈومین آف چیئرمین نیب. وہ اس کو ڈیلیگیٹ نہیں کر سکتا کیونکہ ڈیلیگیشن کا اختیار وہاں پہ نہیں دیا گیا. ڈیلیگیٹ آپ وہ پاور کریں گے جو آپ کو سٹیچوٹ اختیار دیتا ہے کہ آپ یہ ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں. جی ہاں, اس کا کرائیٹیریا بڑا آسان ہے, آپ سیکشن 16A پڑھیں, وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ پروسیکیوٹر جنرل فار ایگزامپل ایک کیس ہے جو آپ نے انویسٹیگیٹ کیا اور اس کا ایک چلان جو ہے وہ کسٹم کورٹ میں چلا گیا, تو آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ 16A کی درخواست دیتے ہیں اس عدالت میں اس کنسرن کسٹم کورٹ میں کہ جی دیر از ون ریفرنس دی نیب ہیز آلریڈی فائلڈ, تو پھر بھی آپ ٹرانسفر کروا سکتے ہیں. کرائیٹیریا یہ ہے کہ آپ نے انویسٹیگیٹ کیا ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں کسٹم کورٹ اور اکاؤنٹیبلٹی کورٹ وہ ریفرنس بنایا انہوں نے اویئن آف ٹیکس, ٹھیک ہے, یہ بنا ہے اکاؤنٹیبلٹی میں بدعنوانی کے اوپر, یعنی کہ دا ٹائم. اب ہوتا کیا ہے کہ آپ نے اویئن آف کسٹم کیا, اس میں صرف ایک پارٹی ہوگی, ٹھیک ہے کہ جی یہ کسٹم ٹیکس نہیں دیا اس کے خلاف چلان دے دو, یا یہ بندہ تھا یہ پان کے پتے لے کے آیا اس نے اتنی ٹیکس اویئن کی. لیکن جن لوگوں نے اس کے ساتھ ساتھ دیا, کیا وہ انٹروگیٹ ہوئے, کیا کسٹم کا مینڈیٹ ہے ان کو ہاتھ لگانے کا, سو اف دیر از اینی انویسٹیگیشن پینڈنگ اگینسٹ دی آفیسر اینڈ آفیشلز آف دی کسٹم اینڈ ادر انکلوڈنگ دی جتنے بھی یہ وہ کیا اس کو کہتے ہیں جو وہ لاتے ہیں یہ کام کرنے, کیا اس کا نام ہوتا ہے یار, وہ کانٹریکٹر یا واٹ ایور یو سے جو بھی ہوتے ہیں, یہ کلیئرنگ ایجنٹس, وہ بھی اس میں پھر آتے ہیں. سو دس از دا ریزن
कि जैसे आपको कहा कि उसका मैंडेट नहीं है, सेट ऑफ अक्यूज का भी सेम नहीं होता। फ्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है जी? सर ज्यूरिडिक्शन सर किस तरह डिटरमिन की जाती है? एक बंदा सर जो इस्लामाबाद में कर रहे हैं, 2012 की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उसमें इनकम टैक्स अथॉरिटी ने यही जो उन्होंने सवाल किया था कि जनाब कि ये इनकम टैक्स का मैटर है तो ये कैसे नैब लेके जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि नैब के पास ये इख्तियार है। उन्होंने कहा जी कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है वो लेटर है और नैब का 1999 में आया था, इनका शायद 2006 है, 2001 का, तो उसमें उन्होंने होल्ड किया कि ये स्पेशलाइज्ड लॉ दोनों हैं लेकिन नैब इज इन पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड लॉ है और उन्होंने डिक्लेयर किया जो इनकम टैक्स लॉ है वो जनरल लॉ है, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। नहीं नहीं अब सुन लें क्या होता है, जो मोहम्मद अहमद साहब ने कहा कि ऑफेंस किधर हुआ है, फॉर एग्जांपल आज लाहौर में एक मैटर है वो टीवी में भी चल रहा था, कौन सा? नहीं, जेएस बैंक वाला, जहांगीर सिद्दीकी वाला, दे आर फ्रॉम कराची लेकिन ऑफेंस कहाँ हुआ? लाहौर में। सो जहां पे ऑफेंस होगा वो रीजनल नैब कॉग्निजेंस लेगी। अब मैं आपको बता दूं कि 7 रीजन्स हैं, फर्स्ट रीजन इज कराची, सेकंड इज सखर, यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टोरेट हैं, डीजीस बैठते हैं, उसके बाद नैब मुल्तान है, मुल्तान के बाद लाहौर है, देन नैब रावलपिंडी इस्लामाबाद है, देन नैब केपीके है और उसके बाद नैब बलूचिस्तान है, देन एक सब ऑफिस है गिलगित बल्तिस्तान, देर इज वन सब ऑफिस इन गिलगित बल्तिस्तान, हेडक्वार्टर इज इन इस्लामाबाद। सर बैठ के बात करें, It is up to the chairman NAB. In case if somebody posted in Karachi for 10 years, he made money there. ठीक है, then later on he was in Pindi, वहाँ पे surface हुआ। अब सवाल ये आता है कि उसके खिलाफ दरख्वास्त कहाँ आई? अगर उसके खिलाफ करप्शन की दरख्वास्त Pindi में आई है तो फिर NAB Pindi cognizance लेगा, और अगर NAB Karachi में उसके खिलाफ दरख्वास्त आई है तो फिर NAB Karachi cognizance लेगा। देखें नैब इज जो नैब है जो मैंने आपको यूएनओडीसी की बात की है उसके अंदर एक है अनकैक रिजीम, एक कन्वेंशन है 1994 का, नहीं सॉरी 2004 कन्वेंशन ऑन एंटी करप्शन जो है उसके नीचे एक अनकैक रजीम है, यूनाइटेड नेशंस एंटी करप्शन कन्वेंशन जो है अनकैक, उसके तहत बहुत सारे मुल्क जो हैं उस कन्वेंशन के क्या हैं, सिग्नेटरीज हैं। उसके तहत हर साल 4 या 5 मुल्कों की एडम इंस्पेक्शन होती है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की इंस्पेक्शन हुई नॉर्वे और सॉल्मन आइलैंड के जो वहां के अफसर थे कि क्या हम कंप्लाइंट हैं यूएनओ की रेजोल्यूशन के प्रॉपर कि नहीं, कि हमारा जो कानून है वेदर ये इंटरनेशनली स्टैंडर्ड का है कि नहीं है, तो वो माशाल्लाह से आई रिमेंड देयर फॉर 3 ईयर्स और हमने जो यूएनओ में जो अपनी रिपोर्ट दी वो बड़ी अच्छी है, बिल्कुल आता है। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के लिए आपको एग्रीमेंट नहीं चाहिए, इफ यू आर अ सिग्नेटरी ऑफ अनकैक देन इट इज ऑब्वियस। हाँ जी, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होता है
وہ اب آپ کے بہت سارے ملکوں سے ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ میوچل انڈرسٹینڈنگ پہ بندہ لے آتے ہیں. کیوں نہیں کر سکتی؟ بالکل کر سکتی ہے. فار ایگزامپل, میں اب وہی کسی کا نام نہیں لینا چاہتا کہ بہت سارے ملکوں کے ساتھ نیب کا جو ہے وہ ٹریٹی نہیں ہے یا کچھ ملک سگنیٹری نہیں ہے, لیکن یہ ریسیپروکیٹ کیا جاتا ہے. اگر انہوں نے آج پاکستان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے تو کل پاکستان ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گا, اور پاکستان نے بہت سارے معاملات میں فیسیلیٹیٹ بہت سارے ملکوں کو کیا ہے جو سگنیٹری نہیں ہے. سو اس لیے دیر از نو نیڈ کہ اگر آپ, اب بات یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی ٹریٹی ہے, ٹریٹی کو پھر ریٹیفائی بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ میرا سگنیچر ٹریٹی ہو گیا اس کے بعد آپ کی ریٹیفائی کریں گے اس کو کہ ہاں جی یہ ہے تو پھر آپ ایگزیکیوٹیبل ہے, ورنہ سگنیچر تو پتہ نہیں پاکستان یا کئی ملکوں نے کون کون سے ٹریٹی کیے ہوں گے جو نہیں ہوتے. لاسٹ ٹو کوسچنز پلیز. سر, ایک نیب میں ریفرنس پینڈنگ ہے, کمپلینٹ جاتی ہے, سوٹ ہو جاتی ہے, بعد میں سپریم انکوائری ہوتی ہے, لیکن ایک ملزم ہے اس نے بھی کروڑوں روپے کا فراڈ کیا ہے, لیکن اس ملزم کا نام اس کمپلینٹ میں نہیں ہے. اب ایک بندے کے پاس سارے پروف ہیں کہ اس بندے نے میرے ساتھ 20 کروڑ کا فراڈ کیا ہے, کیا آپ اس بندے کے لیے نیب میں ریفرنس سے کمپلینٹ فائل کی جا سکتی ہے؟ یہ جو پلیز کم اگین, سوری دوبارہ, ایم جی ایم. جی سر, اس میں ایک کمپلینٹ فائل ہوئی, اس کے بعد اس میں انکوائری ہوئی, میرا جو کلائنٹ ہے وہ اس انکوائری کا پارٹ بنا اور اس کو انہوں نے اس میں وٹنس بھی لیا, لیکن میرے کلائنٹ کے پاس ایک عثمان نام کا اور بندہ ہے جس نے 20 کروڑ کا اس کے ساتھ فراڈ کیا, اور یہ جو بندہ ہے اس نے 2-2.5 ارب کا فراڈ کیا. اب جو دوسرا عثمان نام کا بندہ ہے وہ غائب ہے, اب اس بندے کا اس کمپلینٹ کے اندر نام نہیں ہے. اگر ہم اس جو عثمان ہے اس کو کمپلینٹ میں نام دینا چاہیں تو کیا لینا سے کمپلینٹ فائل کریں گے یا اسی کے اندر؟ دیکھیں اسی میں ہوگا. دیکھیں جب بھی کوئی انویسٹیگیشن آتھرائز ہوتی ہے نا یا انکوائری, تو بندے کا نام کے ساتھ اینڈ ادرس ہوتا ہے. اینڈ ادرس اس لیے ہوتا ہے کہ بائی دی اینڈ آف ڈے اگر آپ نے جب تفتیش کی تو اس میں کسی کا نام آتا ہے تو دین آپ اس کو انکارپوریٹ کر لیں. سو پہلا کمپلینٹ ہے اس نے, کیونکہ میں بھی اس میں فیکٹری تھا, میرا کلائنٹ اس میں فیکٹری ہے, تو وہ دینا چاہ رہا ہے, کیا وہ دے دینا دے, بالکل دے, بالکل دے سکتے ہیں. ہاں ریجنل آفس ہی کر رہی ہے, یہ چیئرمین کا نہیں ہے, یہ نیچے ہی ہوا ہے, دیٹ از بائی دی ڈی جی. نہیں, کمپلینٹ وڈرا نہیں کی جا سکتی. ایف آئی آر وڈرا کر سکتے ہیں, بنگال ختم. اٹ از این افینس اگینسٹ دی اسٹیٹ. نو ہاں یہ کہہ سکتے جی میری جھوٹی کمپلینٹ ہے, میں تو کم ہی نہیں پایا. ویریفیکیشن نہیں, کمپلینٹ ریفرنس اکاؤنٹبلٹی کوڈ میں. یہ تو نیب والے بتائیں گے نا کہ انہوں نے مٹیریل کتنا اکٹھا کیا ہے بائی دی اینڈ آف ڈے. ابھی تو وہ ریمانڈ پہ ہیں, ویدر دیر از مٹیریل اویلیبل اور ناٹ. نہیں پھر 9C کا جواب نہیں رہتا نا اتنی ہائپ کریٹ کر کے. یہ وہ سوال ہے, پری دیکھی ہے کبھی آپ نے؟ جل پری فلموں میں دیکھی ہے نا, تو اس کا جواب بھی وہی ہے کہ کبھی کبھی فلم چلانی پڑ جاتی ہے تو پھر 31B کرنی پڑتی ہے. بالکل نہیں نہیں, ریلیز نہیں ہوتا, دا ورڈ از اس کو بری کرتی ہیں, اکویٹل. پی بی میں اکویٹ نہیں ہوتا, کنوکٹ ہوتا ہے.
आपका पूरा ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद आप कहते हैं कि देर इज नो प्रोसिक्यूशन हैज फेल्ड टू पुट एनी एविडेंस अगेंस्ट, देयर फॉर दो चार आईओएस को थप्पी जाती हैं, प्रोसिक्यूटर को थप्पी जाती है और उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है. सो बरियत होती है. अब ये है ट्रायल, प्री अरेस्ट पोस्ट अरेस्ट ये दो बेल हैं. प्री अरेस्ट कन्फर्म हो गई, इट डजेंट मीन कि आपका केस खत्म हो गया, आपका ट्रायल उधर ही चल रहा है. पोस्ट अरेस्ट में आपका ट्रायल चल रहा है तो एक बड़ी अच्छी ग्राउंड है कि जी मेरा तो ट्रायल शुरू हो गया, ठीक है. बेसिक होता है कि जी हैम्परिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, के ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन आप किसी को अरेस्ट करते हैं तो अगर वो बाहर आ जाए तो वो हैम्परिंग करेगा, ठीक है. आप बहुत सारा मटीरियल गायब कर सकता है, विटनेसेस को दबा सकता है कि मेरे खिलाफ जाके बयान ना दो, मटीरियल ना दो. जब ट्रायल कोर्ट में चला गया, एक इन्वेस्टिगेशन ने सारा कुछ दे दिया, तो उसके बाद देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हैम्परिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन. कहीं भी लिखा नहीं हुआ कि आपने अरेस्ट लाजमी करना है. क्या कहीं लिखा है कि एफ आई आर सी आर पी सी में लॉज हो जाए इसका मतलब है कि जाके बंदा चुक ले आओ? नो, नॉन अवेलेबल रेफरेंस है, ठीक है. बट ड्यूरिंग द कोर्स ये भी एक ले लें कि देर इज एन एस ओ पी मेड बाई द नैब कि इफ यू आर कोऑपरेटिंग एंड यू आर कमिंग एंड यू आर गिविंग ऑल द मटीरियल तो उसमें आपको वो अरेस्ट नहीं करेंगे. इसी तरह औरतों के बारे में एक व्यू है, पहले तो सकलिंग बेबी अगर किसी का हो तो उसको नहीं करते थे, अब औरतों के बारे में भी है कि इनको आप बिला मतलब के थोड़ा रिलैक्स करें. इसी तरह सीनियर सिटीजन है, आई थिंक 70 इयर्स या 65 प्लस, उनको भी नैब अरेस्ट नहीं करती. देर इज नो ऑर्डर बाय ऑफ डिटेंशन, देर इज ओनली वन ऑर्डर बाय चेयरमैन, नैब इज अरेस्ट ऑर्डर. फ्रीजिंग का ऑर्डर ये है कि जब आपको ये पता चल जाए कि एक प्रॉपर्टी जो है ये इल गॉटन मनी से बनी है तो आप चेयरमैन के पास इख्तियार है कि वो उसको फोर्टनाइट फ्रीज कर सकता है 12 में. चैलेंज क्या होती है वो सेक्शन 12 में आप उसको फ्रीज करते हैं 12 12 में फोर्टनाइट. आपको 14वें दिन एहतसाब अदालत के पास कंफर्मेशन के लिए जाना है, जाना है. अगर एहतसाब अदालत समझती है कि चेयरमैन नैब ने ये ऑर्डर बिल्कुल जिम्मेदाराना तरीके से वैलिड किया है तो उसको वो वैलिडेट कर देगी, इन अदर केस उसको उड़ा देगी. फिर बात जी अदरवाइज सेक्शन 13 में आप सर क्लेम ऑब्जेक्शंस भी आप फ्रीजिंग के अगेंस्ट जा सकते हैं. जी हाँ बिल्कुल है, अगर कोई गलत है तो उसके खिलाफ जैसे 182 है उसी तरह यहाँ पे भी है कि उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी. देखें बात ये डिस्करेज किया आप माजरत के साथ मैंने नैब से हट के मैं एक बात करता हूँ कि हमारा एक मुआशरा इतनी कसाफत का शिकार हो चुका है कि हम हर चीज़ को जायज समझते हैं. यहाँ पे तो ऐसा बंदा भी होगा, मैंने बल्कि बहुत सारे ऐसी देखी कंप्लेंट्स इतने अच्छे लोगों के खिलाफ आई ओनली टू टीच देम कि यार ये इसने हमारा काम नहीं किया इसके खिलाफ कंप्लेंट दे दो. एक शरीफ आदमी के लिए 3-4 दफ़ा नैब के दफ्तर में जाना, चाहे उसकी कंप्लेंट वेरिफिकेशन या इंक्वायरी बंद हो जाए या इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो जाए, लेकिन जाना किसी के बारे में गलत कंप्लेंट करना, मैंने इस पर बहुत इंसिस्ट किया और आज भी इंसिस्ट करता हूँ कि जो कंप्लेनेंट गलत कंप्लेंट फाइल करता है उसको टास्क पे लेना चाहिए. बल्कि मैंने एक कई दफ़ा कहा, मैंने कहा 182 अवेलेबल है, कभी किसी पे 182 लगाई नहीं लगती. इसी तरह अगर नैब में कोई गलत काम करता है तो वो काम भी नहीं होता. जी मान लिया सर, ये कन्फेशन सपोर्ट रिकॉर्ड है, बिल्कुल है.
हाय मैं कुछ नहीं कह सकता. देखिए वो जो पैसे पड़े हैं ना, प्रॉपर्टीज जो हमने ट्रांसफर करवा दी वो जाने बाकी जाने, ये पुरानी बात हो गई. अब ये 2017 नहीं शुरू में थी, 16 के एंड की बात है. यस 9C का किसके तहत होता है, स्टैट्यूट के तहत होता है या खुद करता है? इसको आप सेल भी कर सकते हैं लेकिन इट्स एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नॉट जुडिशियल ऑर्डर. रिट में जाएंगे आप सारे इंटायर मॉडल्स के अगेंस्ट में जाएंगे? नहीं नहीं सारे इंटायर मॉडल्स के खिलाफ नहीं. अगर आप पढ़े ना सेक्शन 32 तो उसमें कहाँ कहाँ अपील करनी है वो सारा लिखा होगा. ठीक है सर, एक कंप्लेंट आती है नैब के पास, नहीं नैब के लामे 22 से 22 भी नहीं है. तो रेफरेंस वो रेफरेंस है 22 रेट में जाएंगे आप ऑर्डर करवाएंगे वो आप फिर हाई कोर्ट ही जाएंगे. हमारा सर बात करने का रिकॉर्ड एक्चुअली 2.5 घंटे का था, वो जनाब ने एक्चुअली बराबर कर लिया तकरीबन. सो सवाल आप तो मेरे दोस्त एक्चुअली करते रहेंगे. आजम मजीद तारण साहब को हम आपको बराबर ही रखना चाहेंगे, वो मेरे बड़े भाई हैं मुझसे सीनियर हैं. मैं ये पॉइंट आउट ये सर करना चाहूँगा जनाब के सामने सर, एक तो मेरा अपना बहुत दिल था कि वकास बिकॉज समवन आई एक्चुअली लुक अप टू प्रैक्टिस के अंदर करते हुए भी देखा और आउटस्टैंडिंग तरीके से आज के अपने आप को कंडक्ट करते हुए देखा. इन लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट ये होती है कि ऐसे लीडिंग प्रैक्टिशनर्स, एक वजह ये भी है कि जिनको उनके सब्जेक्ट्स के ऊपर अबूर हासिल हो उनको बतौर एन एग्जाम्पल भी आपके सामने प्रेजेंट किया जाए. तो आज मेरे ख्याल में तमाम दोस्त भी ये बीच में एक्नॉलेज करेंगे कि मुकम्मल तौर पे अबूर हासिल है एंड दिस इज समथिंग दैट एवरीवन शुड अस्पायर टू. और आप भी अपने खास तौर पे यंगस्टर्स अपने अंदर इस तरीके की ये क्वालिटीज़ वगैरह बीच में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करें. आखिर में वकास भाई को मैं सिर्फ एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि सर द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट एनी प्रैक्टिशनर कैन गिव टू अनदर प्रैक्टिशनर इसके सुन के उसकी बल के बीच में बात सुना है. हमें तो आज तक खुद बोलने के लिए हमारा ख्याल होता है कि हम अकेले कुल हैं, मगर लाहौर बार एसोसिएशन ने सर 2.5 घंटे बैठ के जनाब को आज तक और इतनी तादाद के अंदर सुना, दिस इज़ द हाइस्ट कॉम्प्लीमेंट वी कैन गिव टू योर योर बुक सर एंड वी थैंक यू फॉर योर काइंड टाइम सर. एक मैं आपको जाने से पहले बताऊँ कि नैब कोई बुरा इदारा नहीं, नैब का कानून बुरा नहीं. ये हम जैसे लोग होते हैं जो किसी कानून को बुरा बना देते हैं अपनी ज़ाती ख्वाहिश के लिए या अपनी अना के लिए. नैब की प्रोसिक्यूशन द डे आई लेफ्ट नैब, ये मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि मैंने बड़ी जान मारी. और आपके बहुत सारे दोस्त जो आपके साथ यहाँ पे काम करते थे दे आर नो प्रोसिक्यूटर्स. एक लाहौर से अरशद कयूम है, फरीदुल हसन है, ये सारे यहाँ पे लड़के आते हैं. और नईम तारक संगेड़ा साहब वहाँ पे रहे, इमरान उलहक साहब, उसके बाद क्या नाम है उसका एक रांझा साहब हैं. ये सारी टीम मैंने ही जाके वहाँ पे बनाई. एहसन शहजाद साहब 20-22% कन्विक्शन रेट. द डे आई लेफ्ट नैब 2016 में हमारी कन्विक्शन रेट 76% थी राइट फ्रॉम ट्रायल कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट. और 23 नवंबर 2017 को जिस दिन मैं आया उस दिन 73.2% थी. सो ये मैं क्रेडिट मेरी टीम लेती है और दिस वाज एक्नॉलेज्ड बाय द अनकैक इन यूनाइटेड नेशंस वियना में कि पाकिस्तान में जो एंटी करप्शन जो ट्रायल हैं जो उनकी कन्विक्शन है पाकिस्तान इज द बेस्ट. और ये बड़ी अच्छी बात है कि हम बड़े अच्छे वकील हैं. अभी जो अपना मोहम्मद अहमद कयूम कह रहे हैं ना कि जी मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, हर इंसान एक्सपर्ट है. हाँ मैंने 3 साल एक और 3 साल पहले एक ही कानून पे बहुत काम किया और मुझे ये एजाज भी हासिल है कि यूनाइटेड नेशंस में मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया नंबर वन. और जो एको प्रोसिक्यूटर जनरल्स कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन एंटी करप्शन के इश्यूज के ऊपर उसमें भी पाकिस्तान को मैंने रिप्रेजेंट किया. और पाकिस्तान का जो
ویو پوائنٹ ہے اور جو پاکستان نے ریکوریز کی ہیں یہ ویسے کہیں نہیں ہوئی، یہ ہمارے ہاں ہی. آپ صاحب کا بہت شکریہ کہ آپ نے بڑے تمبل. نیب کی اچھی بک اسٹیچوٹ ہے، اور اس کے بعد نیب کی سب سے اچھی کتاب وہ سائٹیشنز ہیں جو ہم پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے.